इससे आपका नजरिया बदल जाएगा और आपकी सोच भी बदल जाएगी। करीब पिछले 30 सालों से ऑथर और स्पीकर वेन डायर ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने मूलभूत स्रोत से जागरूकता के साथ जुड़े हुए हैं। 48 भाषाओं में अब तक करीब 55 लाख किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। उनका संदेश हर जनरेशन को एक नई दिशा दिखा रहा है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, तब आप उस शक्ति पर भरोसा करते हैं जिसने आपको बनाया है। आइए आप भी इन सब लोगों के साथ मिलकर वेन डायर के पावर ऑफ इंटेंशन टीचिंग का हिस्सा बनिए। एक ऐसा ज्ञान जो आपका आत्मविश्वास मजबूत बनाता है और आपको आगे बढ़ना सिखाता है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप जैसे दर्शकों का खास योगदान रहा है। शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। वाकई ये बहुत कमाल की जगह है। यहाँ कर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला शो है इस बॉस्टन में। इस कार्यक्रम का विषय जो मैं दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो है द पावर ऑफ इंटेंशन। जब हम इंटेंशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके कई मतलब होते हैं, जैसे कि कोई रास्ते में नहीं आएगा, मैंने ये करने का इरादा बना लिया है, मैं ये करके ही रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावट क्यों ना आ जाए, मैंने ठान लिया है कि मैं हर हाल में ये काम करके ही दम लूंगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हार कर भी आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं और उन्हीं लोगों की जिद उन्हें आगे ले जाती है। इसे कहते हैं इंटेंशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसा जिससे आपके देखने के नजरिए में बदलाव आए। ये भी इंटेंशन का ही एक प्रकार है। जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, कुछ ऐसा जो हम करने की सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि यह हमारा अहम बोल रहा है, अहम अपना रूप दिखा रहा है और वो कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। 63 साल की उम्र में मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंचा हूं जहां मुझे यह एहसास होता है कि मैं किताब नहीं लिखता पर एक चेतना है जो मेरे द्वारा काम कर रही है। चाहे आप उसे सोर्स कहो, गॉड कहो या फिर स्पिरिट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे कोई भी नाम दें, पर ये चेतना जो मेरे अंदर दौड़ रही है उसने सारी गुत्थियां सुलझाई हैं, किताबें लिखी हैं, सभी प्रवचन दिए हैं। जब मैं स्टेज के पीछे खड़ा था तो प्रस्तावना खत्म होते ही मेरे दिमाग से वो शब्द निकलने लगे जो मैंने कई सालों पहले पढ़े थे और जो ये कहते हैं कि अगर आप जानते कि कोई है जो अपने चुने हुए रास्ते पर हमेशा आपके साथ चल रहा है तो कभी भी आपको डर या फिर शक का अनुभव नहीं होगा। आप जानते हैं कि एक स्रोत है, कुछ ऐसा है जो आपके पास है, जो हर चीज के लिए जिम्मेदार है। पावर ऑफ इंटेंशन लिखते वक्त मुझे याद है कि मैं एक निश्चित दिन लिखने के लिए बैठा और वो दिन था 7 दिसंबर, प्रो हार्बर डे, और मैंने अपना बायां हाथ टेबल पर रखा और फिर मैंने खुद को समर्पित करते हुए शब्दों को दिल से पेपर पर आने दिया। मैं लिखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करता, काफी महंगा होता है। मेरे 8 बच्चों को किसी कारण से कंप्यूटर की जरूरत होती है और मेरे पास तो कोई पुराना टाइपराइटर भी नहीं है, जबकि बच्चों के पास नए नए होते हैं। मेरे मन में जब भी कोई सवाल आता है तो मैं उसे फौरन पन्ने पर लिख लेता हूँ और फिर इस तरह करते करते मुझे लगने लगा कि कुछ बहुत खास हो रहा है मेरे साथ। और फिर धीरे धीरे इसी तरह मेरा ये रूटीन बन गया। सुबह उठने के बाद मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में मुझे कई साल लगे हैं। जब मैंने पहली बार इस तरह बोलना शुरू किया, मैं कुछ भी बोलने के लिए नोट्स की मदद लेता था और फिर एक वक्त आया जब मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल मुझे तो दिल से बोलने की जरूरत है और आज आपके सामने मैं वही कर रहा हूं इस प्रोग्राम में।
और जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो एक अलग तरह की ताकत आपके इरादों को और पक्का करती है, आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाने लगती है। फिर आपको वो सब दिखने लगता है जो आप पहले कभी नहीं देख पाते थे। आप उसे एनर्जी कहें या स्पिरिट कहें या कुछ भी नाम दें। इस तरह जब हम अपने पक्के इरादे के साथ कुछ करने की ठान लेते हैं और पूरी ईमानदारी और मेहनत से उसे पूरा करने में लग जाते हैं तो फिर कामयाबी हमसे ज्यादा दूर नहीं रहती है। हम आम से खास बन जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जिससे हर कोई बात करना चाहता है, जिसे हर कोई देखना चाहता है। सब नोटिस करने लगते हैं और हमें खुद को लगता है कि हम VIP हो गए हैं। जब हमारे काम में हमारा आत्मविश्वास झलकने लगता है तो वो इरादा जिसके साथ हम काम करते हैं हमें पीछे हटने से रोकने लगता है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मैंने इस किताब को लिखते वक्त महसूस किए थे। ऐसा कई बार हुआ जब मैं रुक गया था क्योंकि कोई एक शख्स था जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। उसका नाम था कर्नल कैस्टिनेटर। कैस्टिनेटर जिनके बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा है उनमें से एक है, फायर फ्रॉम विदिन और पावर ऑफ साइलेंस और एक्टिव साइड ऑफ इन्फिनिटी। वो अक्सर इंटेंशंस की बात करते थे, कहते थे वो सब कुछ जो हम करते हैं और वो भी जो हमारी इंटेंशन से जुड़ी हुई होती हैं। कैस्टिनेटर की बात ध्यान से सुनता था और उनके कोर्स में उन्होंने सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा था। दरअसल मैं उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ था। फिर मैंने खुद किताब लिखी और खुद ही प्रोग्राम भी करने लगा। और कुछ ऐसी यादें जो मुझसे जुड़ी है मुझे बताती है कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। कई बार मैं खुद बहुत कंफ्यूज हुआ, पक्के तौर पर सोच नहीं पाया कि जो मैंने लिखा है वाकई वो ही लिखना चाहिए। किताब लिखते वक्त जो मैंने शुरू किया था उसमें और क्या क्या लिखना है, मुझे किसी आइडिया की जरूरत है तभी मैं कुछ लिख पाऊंगा। और ये रहा वो जिसने मेरा साथ निभाया। इस यूनिवर्स में सैकड़ों ताकतें हैं, अनगिनत एनर्जी सोर्सेज हैं। कुछ लोग जो ये सब समझ नहीं पाते, जिन्हें एनर्जी के बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे कि सॉर्सरर, जादू टोना करने वाले हमसे अलग नहीं होते हैं। वो जादूगर होते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी का ज्ञान होता है। वो जो भी दिखाते हैं हम उसे चमत्कार समझते हैं। लेकिन सॉर्सरर का असली मीनिंग ये नहीं है, ये है ऑफ द सोर्स, वो लोग जो सोर्स के बाहर रहते हैं। इस यूनिवर्स में बेशुमार ताकत वाली अनगिनत एनर्जी सोर्सेज हैं। जो लोग इन्हें अपनाते हैं वो इसे इंटेंशन कहते हैं। और वो सब कुछ जो इस कॉस्मोस से अटैच्ड है हमारे इंटेंशंस को एक दूसरे लिंक से जोड़े रखता है। अगर बात करें सॉर्सरर की तो सॉर्सरर्स वो नहीं होते जो इस लिंक को समझते हैं और समझा भी सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो लोग इस सोर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से एक लेवल तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खास और जरूरी जो होता है वो ये है कि इस यूनिवर्स की हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं जो बिना इंटेंशन के होती हो। इंटेंशन जरूरी है, इसमें आप भी शामिल हैं। सारे मॉस्किटोज और सारे पेड़ पौधे शामिल हैं, हर तरह के जीव, नदी और समंदर भी। सबका अपना अपना एक खास रोल होता है। इसमें रिसोर्सेज भी शामिल हैं। और अगर इन सारे सोर्सेज की बात की जाए, अगर इनकी जरूरत आंकी जाए तो हर एक सोर्स भी अपनी अहमियत रखता है। और जो सवाल यहां पर आता है वो ये है कि जब भी आप कुछ करते हैं या करने का इरादा बनाते हैं तो आप कुछ सोचते हैं, कुछ तय करते हैं। और अगर आपका इरादा बहुत पक्का है तो आपको कामयाबी मिलती है। ये एनर्जी आपका साया बनकर आपका साथ निभाती है, फिर चाहे आपका इरादा कुछ भी हो। आप लोगों में से कुछ का इरादा बाल उगाने का हो, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो कह सकते हैं हमारी जिंदगी में इंटेंशन है तो ही मजा है। तो ये था मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। और भी कई है जिसमें सबसे खास है पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन वो नहीं जिसकी वजह से आप किसी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही जुड़ चुके होते हैं। सवाल ये है कि आप कितने उतावले हैं, आपका इरादा कितना मजबूत है। तो ये कनेक्शन है आप और आपके इंटेंशन के बीच। और
सॉर्सरर वो होता है जो इनसे हमेशा जुड़ा होता है। वो इससे कभी अलग नहीं होता क्योंकि उसे अपने इरादों की ताकत पर पूरा भरोसा होता है, और इसीलिए जितने ज्यादा आप अपने इरादों को पक्का बनाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने मकसद के करीब पहुंच जाएंगे, और फिर आप जादू कर सकते हैं, अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं, अपनी जिंदगी में वो खुशियां भी ला सकते हैं जो कभी खो गई थी। आप उन लोगों को भी तलाश सकते हैं जो आपके इंटेंशन के रास्ते में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यही वो एक यूनिवर्सल तरीका है जहां आप उन लोगों की तलाश सबसे पहले करते हैं ताकि आपका मकसद पूरा हो। आज इस प्रोग्राम के जरिए जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि हम लिंक को यूज करते हुए कैसे वापस पा सकते हैं इंटेंशंस को पूरा करने के तरीके। इससे न सिर्फ उस लिंक से हम कनेक्ट होंगे बल्कि हमेशा तैयार रहेंगे उसे यूज करने के लिए बिना रोक टोक के। मेरा और एक एक्सपीरियंस बताता हूं। देखिए, कास्टिनेटर उन लोगों में से एक था जिसे पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनमें बहुत अच्छी काबिलियत थी लोगों को अपनी बातों से अच्छी तरह से कन्विंस कर लेने की। कह सकते हैं कि वो एक तरह से उनका स्पिरिचुअल तरीका था। एक और शख्स है और उसके साथ मेरे एक्सपीरियंस में आप लोगों को बताना चाहता हूं, और उनका नाम है मैक्स प्लैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैक्स प्लैंक कौन है। मैक्स प्लैंक को दिया गया था नोबेल प्राइज फिजिक्स में कई साल पहले सार्को में उनके काम की लगन और मेहनत की वजह से। वो और अल्बर्ट आइंस्टाइन उन चुनिंदा मास्टरमाइंड साइंटिस्ट में से एक थे जो इस धरती पर कभी हुए, और ये वो लोग थे जिन्हें हमेशा डेटा पर भरोसा होता था। वो किसी फालतू की बात पर विश्वास नहीं करते थे, वो किसी भी बात के लिए पुख्ता प्रमाण मांगते थे कि ऐसा होना चाहिए तभी हम मानेंगे, और ये वो लोग थे जिनके कारण आधुनिक साइंटिस्ट इतनी तरक्की कर पाए, और उन्हीं की बदौलत आज हमारा साइंस इतना आगे बढ़ पाया है, हम लोग इतने इन्वेंशंस कर पाए हैं। लोग अब भी एटम्स की स्टडी करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए ही नहीं बल्कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्लेनेट की और भी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए, बशर्त कि हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों। तो अब सुनिए कि मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था। जब उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया तो ये उनके शब्द थे, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी ताकि हमारा साइंस तरक्की कर सके। मैटर्स को स्टडी करके मैं आपको बता सकता हूं, मैंने जो एटम्स की अब तक स्टडी की है उसका रिजल्ट ये है कि इस तरह का कोई मैटर होता ही नहीं है। सारे मैटर्स होते हैं एक ऐसी ताकत के कारण जो एटॉमिक वाइब्रेशन पैदा करती है और सारे के सारे एटम्स को कंट्रोल भी करती है। हम मानते हैं कि इस अजीब ताकत के पीछे एक कॉन्शियस और समझदार दिमाग है, और ये सब उसी दिमाग की देन है। मतलब इस सब के पीछे वही समझदार दिमाग है, और ये है अब तक का सबसे पावरफुल जीता जागता सबूत। जब मैंने इसे बहुत ध्यान से सोचा तो मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार इस सोर्स को अपने हिसाब से स्टडी करके देखूं। तब मुझे समझ में आया, जब आप चीजों को देखने का नजरिया बदल देते हैं तो वो चीजें भी बदली नजर आती हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको बहुत ही अहम फैसला लेना होता है, तब जो आप सोचते हैं वो ये होता है कि क्या मैं अच्छी दुनिया में रहता हूं या फिर बुरी दुनिया में। कौन सी दुनिया है ये? क्या ये वो दुनिया है जिसमें नफरत है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे से दुश्मनी है और हम गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं? क्या यही है वो जो आप देखना चाहते हैं? जिस नजरिए से आप दुनिया को देखेंगे उसी तरह की दुनिया आप अपने लिए बनाएंगे। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक दिमाग है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी तरह का कोई गेम प्लान नहीं है बल्कि चीजों को देखने का आपका नजरिया है। जब आपका नजरिया बदलता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। अब इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है वही मैं आपको बताता हूं। मैं चाहूंगा कि जो मैं कहूं आप वो इमेजिन करें। आप अपने घर में हैं, आपके हाथ में आपकी कार कीज भी है, अचानक लाइट चली गई, पावर फेलियर हो गया,
कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप इधर उधर देखने लगते हैं और कार के हाथ से गिर जाती है। आप आसपास देखते हैं और आपको महसूस होता है कि आपको वो नहीं मिलेगी, और जब आप बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि स्ट्रीट लाइट चालू है। तब आपके दिमाग में एक बल्ब जल उठता है। अब मैं इस अंधेरे में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता कार की तलाश में। मैं तो बाहर जाऊंगा, और जब थोड़ा बाहर आने के बाद स्ट्रीट लाइट के नीचे कार की इसकी याद आ गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप सब लोग हंसने लगे हैं? तो आप परेशान हो उठते हैं और कार कीज को ढूंढने लगते हैं। तभी आपका पड़ोसी आता है और पूछता है कि भाई क्या हो गया, आप परेशान क्यों हैं? मेरी चाबियां गुम गई है। तो वो कहता है ठीक है, मैं मदद करता हूं। और इस तरह दोनों चाबियां ढूंढने लगते हैं, और अचानक पड़ोसी कहता है कि भाई आपकी चाबियां कहाँ गुम गई है, आपको याद है कि वो कहाँ पर घूमी है? मैं कहता हूँ कि वो मेरे घर में गुम गई है। तो पड़ोसी कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपकी चाबियां घर में घूमी और आप उन्हें यहाँ पर बाहर ढूंढ रहे हैं, आपका मतलब क्या है इस सबसे? हाँ, तो मैं कहता हूँ अंधेरे में चाबी ढूंढने से क्या फायदा जबकि लाइट यहाँ पर है। अब आप हंसेंगे और सोचेंगे कि कितनी बेवकूफी भरी बात है, लेकिन ऐसा ही हम लोग करते हैं। दरअसल होता यह है कि किसी तरह की परेशानी या मुश्किल होती है हमारे अंदर, और हम उसका हल ढूंढते हैं बाहर की तरफ। ये कुछ वैसा ही है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी सारी बीमारी बता देते हैं। इसके बाद डॉक्टर पूछता है, ओहो आपको ये परेशानी है, और वो दवाइयां लिखना शुरू कर देता है। लीजिए, इसके लिए ये दवाई है और उस चीज के लिए वो दवाई है, और आखिरकार वो आपको सारी दवाइयां लिखकर दे देता है। और आप जाते हैं बाहर और सोचते हैं कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन तो दीजिए मुझे। तो वो कहता, नहीं नहीं ये प्रिस्क्रिप्शन आपके ससुर को, ये आपकी सास को, ये आपके पिताजी को, ये आपकी मम्मी को। मेरा मतलब परेशानी आपके अंदर है और आप उनका हल बाहर ढूंढ रहे हैं कि लोग कोई आएंगे और आपकी समस्या का हल कर देंगे, जबकि समस्या आपके ही अंदर है, आपके बाहर नहीं है, और उसका हल भी आपके अंदर ही मौजूद है। और यहीं पर इंटेंशन प्रभावी हो जाते हैं, जिन्हें हमें समझना होता है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं इंटेंशन से कितना कनेक्टेड हूं, बल्कि सवाल यह है कि मैं कितना तैयार हूं उस कनेक्टिंग लिंक को साफ सुथरा और बिना रुकावट के रखने के लिए। 20 साल पहले मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था, फिलॉसफी पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए, कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं? इस सवाल को लेकर मैं काफी वक्त तक परेशान था। जवाब है कि मैं एक रूह हूं जो इस शरीर में एक जान बनकर बैठी है। अब देखिए, एक फादर, ऑथर, फिलोसोफर, डॉक्टर, ये ऐसे वो सभी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सभी का जवाब एक जैसा होता है। मुझे मदर टेरेसा की एक बात याद आती है। उनसे पूछा गया कि कोलकाता की सड़कों पर आप रोज क्या देखती हैं? उनका जवाब बहुत ही लाजवाब और कमाल का था। उन्होंने कहा कि हर दिन मैं सड़कों पर जीसस क्राइस्ट देखती हूँ, इंसानियत के लिए तड़पते हुए जीसस क्राइस्ट को देखती हूँ। मुझे सोर्स खुलता हुआ नजर आता है, मुझे ईश्वर एक रूप में नजर आता है, और मुझे स्पिरिट भी एक रूप में नजर आती है। रोज मैं यही देखती हूँ। ईश्वर मुझे हर काम में दिखते हैं, जब मैं उन्हें नहीं देखती हूँ तब भी दिखते हैं। अब सवाल ये नहीं है जो मुझे परेशान करता है, जो सवाल मुझे परेशान करता है वो ये है कि मैं कहां से आई हूं, कहां से आई हूं मैं? आपके दिमाग में भी यह सवाल कभी आया होगा, कभी ना कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया ही होगा, और इस सवाल को आने की कोई उम्र या वक्त नहीं होता। जब मैं 9 साल का था, तब मैं एक घास के मैदान में लेटा हुआ था रात के समय पे, और अचानक मैंने ऊपर देखा और देखा कि आसमान में ढेरों तारे टिमटिमा रहे हैं। मैंने अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखे और सोचा कि मैं आया कहां से हूं, कहां से आया हूं मैं? और मैं किसी पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे याद है कि एक बार मदर टेरेसा से पूछा गया था कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखती है या नहीं, तो उनका जवाब बहुत ही गजब का था। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है कि कहां से आया हूं मैं कहां से आया हूं। ये सवाल आप सैकड़ों बार पूछते हैं लेकिन जवाब आपको नहीं मिलता है। हम ऐसे कई लोगों के दिमाग में ये सवाल बार 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 आता है और उसका जवाब नहीं मिलता है, लेकिन एक जवाब होता है। सारे के सारे लोग उस जवाब को बड़ी आसानी से दे जाते हैं। हम यहां जिनसे आए हैं वो है माता पिता। बड़ा कठिन सवाल है।
लेकिन हम इंसान ऐसे छोटे मोटे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, हमें जब तक कोई सीरियस आंसर नहीं मिल जाता, एक के बाद एक आंसर। जब जिंदगी की शुरुआत होती है तभी से हमारे मन में सवाल शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको अपनी बात मुझे अच्छे से याद है कि 7 सालों में हमारे 4 बच्चे हुए और मेरी टीनेज डॉटर स्टेफनी, जब उसे घर में ज्यादा बच्चे दिखने लगे तो उसे लगा कि उसकी जिम्मेदारी घर की तरफ बढ़ गई है और हमें पता चला कि हमारा एक और बच्चा होने वाला है। और एक बहुत ही जादुई चीज हुई और एक बच्चा आने को है। तब मैंने और मेरी पत्नी ने सिक्का उछाला, इसलिए कि स्टेफनी को यह बात पहले कौन बताएगा, और मैं हार गया। तो मैंने उसे कॉल किया एक दिन जब वो अच्छे मूड में थी। मैंने उससे कहा कि बेटी तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन हमें एक और बच्चा होने वाला है। वाह क्या बात है, कहते हुए उसने एक पोज दिया। यूं पोज ऐसा था कि एक पैर ऐसे और दूसरा ऐसे। फिर बोली, दैट्स टेरिफिक। मैंने कहा हाँ टेरिफिक तो जरूर है। मैंने कहा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हमारा एटीट्यूड तुम्हारे जैसा नहीं था जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला। उसने कहा कि बताइए आपको कैसा लगता है। तो मैंने कहा तुम ही बताओ कैसा लगता है। उसने कहा बताइए डैडी कैसा लगता है कि जूनियर हाई स्कूल में इकलौती मैं ही ऐसी लड़की हूं जिसके माता पिता अब भी ये करते हैं। मैंने कहा बेटा मुझे पता है कि तुम ये नहीं मानोगी लेकिन दादा दादी भी आजकल ये करते हैं। ये क्या बेहुदा मजाक है, पर और ये करना तो गलत होगा ना, तो मैंने नहीं किया। तो हम बात कर रहे थे कि हम कहां से आए और इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है हमें। तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जवाब नहीं मिल पाया है तो बाद में जरूर मिल जाएगा। याद है ना मैंने कहा था कि चीजों की तरफ देखने का आपका नजरिया बदल जाता है तो चीजें भी बदल जाती हैं। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आप जरा उस वक्त में जाइए जब आपने बिल्कुल पहली बार इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। आप भी ये जानते ही होंगे कि उस वक्त के बारे में आपके मन में कुछ भी नहीं है, बस कुछ थोड़ी बहुत चुनिंदा सी यादें होंगी आपके मन में। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप से भी शायद उन्हें नहीं देख सकते आप। ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है, मतलब कि समझ लो कि इतना छोटा कि एक सेफ्टी पिन से भी कई गुना छोटा होता है, लेकिन उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो एक जीव के लिए बहुत जरूरी होती है। ये कुदरत का करिश्मा है। उनकी आंखों का आकार यूं होता है, उनके हाथ नाक और कान भी होते हैं, रंग रूप भी होता है जैसा हमारे बालों का होता है। कितने बाल है सिर में गिनने बैठूं तो उम्र बीत जाएगी, पर मैं अपने बाल नहीं गिन पाऊंगा। बालों की कद्र और जरूरत उन लोगों से पूछो जिनके बाल उड़ चुके हैं मेरी तरह। अब ये बाल भी बिल्कुल अजीब है। आप पूछेंगे कि कल तक तो ये बाल ब्लैक थे और आज सफेद हो गए, आखिर इनका रंग इतनी अचानक कैसे बदल गया, ये बात समझ में नहीं आती, ये चेंज कैसे हुआ। तो दोस्तों हमें बस थोड़ा पहले जाना है जब हम बात कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक जीव की। वो है तुम्हारी शुरुआत, बचपन से भविष्य तक। वहीं से शुरुआत हुई है मेरी, आपकी, यहाँ बैठे हर एक की, यानी हम सब की। ये सब किसी जादू की तरह लगता है। हमें जिस चीज की जरूरत होती है सबसे पहले और सबसे ज्यादा हम उसी के बारे में सोचना पसंद करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं और पूरी पूरी लगन से भी। अब अगर ज्यादा ध्यान से सोचे तो जब हमें किसी जवाब की तलाश होती है तो हम उन चीजों की तलाश करने लगते हैं जो हमें ठीक लगती हैं और हमारी सोच काम पर लग जाती है। माइक्रोस्कोप की मदद से हम मैग्निफिकेशन को ऑन कर देते हैं और फिर हम उस मैग्निफिकेशन की मदद से बहुत सारे पार्टिकल्स देखने लगते हैं। यहाँ भी पार्टिकल, वहां भी पार्टिकल, जहां देखो वहां पार्टिकल दिखने लगते हैं, हमें पार्टिकल ही पार्टिकल दिखने लगते हैं। पार्टिकल को आप बाहर लेते हैं और उसे कहते हैं एटम, और उस एटम को पकड़कर आप एक सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं, एक ऐसी जगह पर जहां आप उसे देख सकें, और फिर आप उसे एक दूसरे एटॉमिक माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं। तब आप पाते हैं कि वो पहले से ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। यही तो मैग्निफिकेशन का काम है। तब आप पाते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में बहुत सारी खाली जगह भी है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन,
कोई भी टॉन जिसका सरनेम टॉन हो, फिर तो सारे के सारे टॉन भाई भाई लगेंगे। फिर आप उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं और फिर सोच में पड़ जाते हैं कि इसका सोर्स क्या है, मैं कहां से आया हूं। आप मैग्निफिकेशन को दोबारा ऑन कर देते हैं, पाते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से वो और भी बड़ा नजर आता है। बहुत सारे पार्टिकल्स है जो हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं, आप उन्हें पकड़ सकते हैं। मैग्निफिकेशन काम करता है, आप मैग्निफिकेशन को ऑन करते हैं और आप पाते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल एक साथ दिखते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स की जानकारी हमें फिजिक्स में मिलती है, स्टडी से अब तक छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में हम पता कर सकते हैं, बस आपको थोड़े से सोर्स की जरूरत है। तो जब हम एक छोटा सा क्वार्क्स उठाते हैं, ये क्वार्क्स असल में बहुत थोड़े मिलते हैं। मेरे एक खास दोस्त हैं जो साइंटिस्ट हैं और वो कहते हैं कि फिजिक्स में क्वार्क्स एक अलग तरह का एटम है, इतना अलग कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे अजीब बात यह होती है कि आपकी राय इनके बारे में बिल्कुल बदल जाती है। आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपको अलग दिखने लगते हैं, जब आप एक तरह से इन्हें देखते हैं तो कुछ और दिखते हैं, मुड़कर दूसरी तरह से देखते हैं तो कुछ और दिखते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं तो चीजें भी बदली बदली सी नजर आती हैं। अब हम बात करते हैं इस सब एटॉमिक पार्टिकल की। आप इसे उठाइए और एक्सेलरेटर पर रख दीजिए, फिर उसकी रफ्तार को पहले से तेज कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि इसकी रफ्तार अब हो गई है करीब 2,50,000 माइल्स पर आवर। वो टकराते हैं। अब आप सोर्स के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर को खोलते हैं और सोचिए वहां पर क्या है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वहां आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा। जहां से हमें एनर्जी का सोर्स मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत, ये इनफाइनाइट है, ये एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और अब आपके लिए मेरे मन में जो सवाल है, अगर आपकी समझ में आ गया कि आप कोई शुरुआत नहीं करते हैं उस पार्टिकल की खोज करके, क्योंकि एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल का सोर्स नहीं होता है। मैं आपको ये बात आसानी से समझाता हूँ। हम हमेशा जो देखते हैं, जरूरी नहीं कि हमें जो दिखता है असल में वो वैसा ही हो। ये बात एक पहेली की तरह लगती लेकिन सच है। कहने का मतलब यह है कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं असल में वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ये बस वो स्पिरिट है जो हमारी उससे पहचान करवाती है। हमारे सारे सजेशंस धरे रह जाते हैं। अगर आपकी आंख का आकार किसी एनर्जी फील्ड में भेज दिया जाए जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना ही उसमें कोई मटीरियलनेस है, तो फिर आंख का आकार क्यों नहीं दे सकते? क्यों जो भी आप तय करते हैं, जो कुछ आप बनाना चाहते हैं, आखिर क्यों वो सब इस एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाता है? आज आप सब यहां पर हैं अलग अलग जगहों से एक इंटेंशन के साथ, और वो खूबसूरत ग्लोब जो मेरी लैब का हिस्सा है इसे आप देख सकते हैं, और इस ग्लोब को मैं खास नाम से पुकारूंगा आज के बाकी के प्रोग्राम के लिए। मैं इसे नाम दे रहा हूं एक सोर्स जिससे हम सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। हर एक पार्टिकल जो आप देख सकते हैं वो किसी न किसी पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। ये बात मेरे दोस्त कास्टिनेटर ने मुझे बताई थी, यही बात कई मेटाफिजिशियंस ने कही थी। जितने लोगों ने भी अब तक इस प्लेनेट पर रिसर्च की है उन सभी की रिसर्च से बस एक ही बात सामने आई है कि हमारा सोर्स ही हमारी स्पिरिट है जो फिजिकल नहीं है। मेरे एक दोस्त के पास एक मैजिकल बायनोकुलर्स है जिससे आप फील्ड में देख सकते हैं। अब जो मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि फील्ड देखने में कैसा लगता है, और आप लोगों के लिए मेरी राय यह है कि आप अगर समझना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि असल में ये पावर ऑफ इंटेंशन होता क्या है, तो आपको अपने मन को शांत रखना होगा और आपको ये मानना होगा कि आप इसके सोर्स से काफी अलग हैं, क्योंकि इसी तरह हमारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है और हम उनमें उलझ कर रह जाते हैं। ये एक सोर्स है खुशहाली का, हर वो चीज जो इसमें से निकल कर आती है वो खुशहाली की शुरुआत बनकर आती है। ये कुछ अलग दिखता है, सुनने में भी अलग लगता है। अगर इसकी आवाज की बात करें तो मैं इस यूनिवर्स के एक सबसे खास, एक सबसे पवित्र ग्रंथ का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। ये है भागवत गीता। ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है और गॉड की आवाज है। आप किसी भी धर्म की बात करें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो या फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, सब में एक ही बात कही गई है। जरा इस सोर्स को गौर से देखिए, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, सोर्स और स्पिरिट जो भी नाम दें, इसे ही मैं गॉड की आवाज कहता हूं। और अब थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा कि दिखने में ये कैसा होता है। सोचिए कैसा दिखता है। मैं ही जरिया हूं, आध्यात्मिक
और सांसारिक दुनिया का, ये सब मुझ में ही समाया हुआ है। ये गॉड की आवाज है, ये सब मुझ में ही समाया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि तुम वो कर सकते हो जो करना एक इंसान के लिए मुमकिन है। मतलब जब आपको अपने दिल में वो मिलता है जिससे आप इससे रिकनेक्ट हो सकते हैं। याद है मैंने आप सभी को एक और क्लॉज बताया था, ये इंटेंशन की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो आपको कुछ करने के लिए उकसाती है, कुछ करने की प्रेरणा देती है, हमें सोर्स से अलग कर देती है, और इसे ही कहते हैं ईगो। और ईगो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक आइडिया है जिसे हम लेकर घूमते रहते हैं। और सारी परेशानियों की जड़ ये है कि इसे लेकर हम अस्पताल नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपेंडिक्स है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं और ठीक करवा लेते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसको निकाला जा सके। अच्छा होता पर ऐसा होता नहीं है। तो आपको करना यह है कि इस ख्याल को निकालना है कि जो मैं हूं वो इससे अलग है और ये आपका सोर्स है। और जब आप अपने सोर्स से वापस जुड़ते हैं, जब आप इससे हार्मोनी में होते हैं, आप फील्ड ऑफ इंटेंशन से कनेक्ट हो रहे होते हैं। और जब आप इस फील्ड ऑफ इंटेंशन के साथ होते हैं तो सब कुछ जो ये फील्ड ऑफ इंटेंशन जिससे सब मटेरियल वर्ल्ड निकला है, सब कुछ जो ये कर सकता है आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये हैं और ये आप हैं। हमारी परेशानी ये है क्योंकि हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां हम ये मानने लगते हैं कि हम इससे अलग हैं, हम ये हैं जो करते हैं, और मैं बाकी सब से अलग हूं, मैं अपनी रेपुटेशन हूं और मैं उससे अलग हूं जो मेरी जिंदगी में नहीं है। पर ये फील जिससे सब कुछ निकला है, अगर ये हर जगह है तो आपके अंदर भी है, और अगर ये सब जगह है और आप में है तो ये उस हर चीज में है जो आप चाहते हैं और जो आपकी जिंदगी में नहीं है, ये उसमें भी होगा, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये नहीं है। और अगर कोई जगह नहीं है जहां ये नहीं है तो आप अपने आप ही उस चीज से जुड़ जाएंगे जो आप अपनी जिंदगी में चाहेंगे। आपको ऐसा करने से जो रोकता है वो आपका मानना है कि आप सोर्स से अलग हैं। हमें सोर्स से जुड़ना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी मर्जी का क्या, अगर मुझे आना था या मेरी जिंदगी ऐसी होने वाली थी तो मेरी मर्जी कहाँ है। आपकी फ्री विल यहां है कि आप ये तय करते हैं कि आपको इस सोर्स से कनेक्ट करना है या फिर इस सोर्स से कनेक्ट नहीं करना है। ये आपकी मर्जी पर निर्भर नहीं है। अगर आप चुनते हैं जानबूझकर उसे अलग रहना तो ये आपकी मर्जी नहीं है, ये आपको सोर्स से डिसकनेक्ट करता है। और जान लीजिए इस बात को कि आप जो मानते हैं, अभी ईगो के बारे में मैंने सब बताया था, ये फील्ड ऑफ इंटेंशंस नॉन वेल बीइंग के बारे में कुछ नहीं जानती, ये वेल बीइंग के सोर्स से निकलती है। ये बिल्कुल भी नहीं जानती डर बेचैनी के बारे में कुछ नहीं जानती। ये केवल एक लगातार क्रिएशन के काम में लगी एक कोटेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि आप अपने को सोर्स से रिकनेक्ट करना है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जानबूझकर कनेक्टेड हैं अपने सोर्स से, हम अपने सोर्स से रिकनेक्टेड कर रहे हैं, जो मैं इस प्रोग्राम में डिटेल में बताने वाला हूं, जो मैं मानता हूं इंटेंशन की शक्ति दिखती है। एक बार हमने वो कनेक्शन बना लिया उसके बाद कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये बात स्वामी परमानंद ने कही है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता जब आप एक बार सोर्स से जुड़ जाते हैं। हमारे सारे स्ट्रगल, सारी बीमारियां, हमारी सारी जिंदगी की कमियां, मुश्किलें जो हमारे रिश्तों में है, ये सब इसलिए आया क्योंकि हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया उस फील ऑफ इंटेंशन से जो कुछ नहीं है, बस वेल बीइंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ चाहती है कि आप खुश रहें हमेशा हमेशा। ये मैंने किताब में लिखा था जो मैंने कई साल पहले लिखी थी कि खुशी को पाने का कोई रास्ता नहीं होता, खुशी अपने आप में रास्ता होती है। आपको ये कहीं नहीं मिलेगी अपने से बाहर। और जब आप ये समझ जाते हैं इंटेंशन से कनेक्ट होने का मतलब है
बहुत ही पावरफुल हो जाना। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है महसूस करने के बाद पावर ऑफ इंटेंशन लिखते हुए। एक आदमी, मुझे ठीक से साल याद नहीं पर शायद 1900 की शुरुआत की बात है, उसका नाम है थॉमस ट्रॉवर्ड और उसने मेंटल साइंस पर कई सारे लेक्चर्स दिए एडनबर्ग में और स्कॉटलैंड में। उन्हें कहा जाता था एडनबर्ग और डोरी लेक्चर्स। और उनमें से एक ऑब्जर्वेशन, एक कोटेशन ये थी, मुझे बहुत ही पसंद है। उन्होंने कहा था कि फ्लोटेशन का लॉ डूबती हुई चीज के बारे में सोचकर नहीं निकाला गया था। क्या यह वाकई खूब नहीं है? बहुत ही कमाल है। अब जरा सोचिए कि 15 या 16 शताब्दी से पहले सभी शिप्स दुनिया में वुड की बनती थी और आपको क्यों लगता है कि इतनी सदियों तक क्यों वो लकड़ी से बनाते रहे? क्योंकि जब आप वुड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि वो तैरती रहती है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको चीजों को तैराना है तो उन्हें उन चीजों से बनाइए जो तैरती है। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्लो करने वाला मटेरियल है या नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि पानी कितना डिस्प्ले हुआ है। और अब दुनिया की सारी शिप्स उस मटेरियल से बनती हैं जो तैरता नहीं है, पर शिप तैरता है। अभी हम हिस्ट्री में 100वां साल मना रहे हैं ऑलवर एंड विल्बर राइट का ओहायो में। लॉ ऑफ फ्लाइट को इमेजिन कीजिए तो आपको बातें समझ में आएंगी। जरा सोचिए लॉ ऑफ फ्लाइट, ये इसे ऐसे दो भाइयों ने डिस्कवर किया जो चीजों के जमीन पर रहने के बारे में सोच रहे थे। तो हमें क्या करना है? हमें एक तरीका ढूंढना है अपने आप को वापस जोड़ पाने का, अपने आप को आइडिया से भर देने का कि हम उस चीज से कनेक्टेड है जो भी हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, जिसकी जरूरत है हमें। हमने बस खुद को अलग कर लिया है, खुद को वो मानकर जो हम असल में है नहीं। एक किताब जो मैंने कुछ साल पहले लिखी थी 10 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, जो कि PBS स्पेशल का हिस्सा थी, उनमें से एक सीक्रेट था ट्रेजरिंग योर डिविनिटी। और मैंने ये ऑब्जर्वेशन देखा और मैं कुछ नोट्स लिख रहा था। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं चीजों के बारे में। ये शब्द सुनिए, हम जानते हैं कि बेसिक नेचर किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस की इंटेंशन इस बारे में है, क्रिएट करना, सीखना, जिंदगी जो आप चाहते हैं, दुनिया जो आप चाहते हैं, लोग जो आप चाहते हैं, एक्साइटमेंट जो आप चाहते हैं, हेल्थ जो आप चाहते हैं। हम जानते हैं क्रिएटिव प्रोसेस की बेसिक नेचर के हिसाब से हम ओरिजिनेटिंग स्पिरिट से एक हैं और साथ ही उसके सारे प्रिंसिपल से भी। ये जैसा भी है, जैसा सुनाई देता है, जो भी सोचता है, दिखाई देता है, हम इसके साथ एक हैं। और ऐसे ही हम इसके इनफाइनाइट पर्सनैलिटी के साथ भी एक हैं। हम यहाँ पर इंसानों की तरह नहीं है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पा रहे हैं, हम स्पिरिट्स हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस पा रहे हैं। हम सब इनफाइनाइट हैं और इसीलिए हमारा सोचना इस सोर्स के बारे में, वो जो हम चाहते हैं, हमें वो काबिलियत दे देता है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें उसे पाने के लिए। और हम उसका इस्तेमाल कैसे करने के लिए, हमें खुद को सोचना होगा उन सब चीजों से घिरा हुआ जो हम चाहते हैं। अपने आप को उन स्थितियों से घिर जाने दो जो आप सच में करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या इंटेंड करते हैं अपने लिए, ये आपकी ईगो नहीं करेगी। ये आपकी फ्री विल, आपकी इच्छा से जुड़ने की, जो कि सोर्स है हर चीज का, ऐसा करेगी इस प्रोग्राम के अंत तक आप इस हार्मोनी में होंगे। अगर आप मेरे सेल फोन पर फोन करेंगे, हालांकि मैं अपना नंबर कभी नहीं देता, लेकिन अगर आप फोन करेंगे तो आपको वहां से ये मैसेज मिलेगा, हाय, आपने वैन डायर को फोन किया है और मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूं। अगर आपकी कॉल इससे अलग कुछ भी करना चाहती है तो आपने गलत नंबर मिलाया है। और मैं कहूंगा कि आप डॉक्टर फिल को फोन कीजिए।
अच्छा महसूस करना शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं यहां बात कर सकता हूं। अगर आप टॉरा खोलें, एंशियंट टेक्स्ट, ओल्ड टेस्टामेंट खोलें, तो शुरुआत में ही लिखा है जहां पर जेनेसिस 1:1 कहता है कि शुरुआत में भगवान ने हेवन और अर्थ बनाया। सिंपल है, गॉड इनफाइनाइट है, इस सोर्स में से सारी मटेरियल चीजें निकली। और फिर आप 31 लाइन नीचे पढ़े तो वो कहते कि गॉड ने जो भी बनाया वो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो गुड और गॉड मेरे ख्याल से एक ही मतलब रखते हैं, केवल एक एक्स्ट्रा ओ है। जब आप बोलते हैं कि आपको अच्छा महसूस करना है, जैसे आप देखेंगे ये प्रोग्राम बढ़ेगा, आप एक तरह से कह रहे हैं कि मुझे भगवान को महसूस करना है, मैं देखना चाहता हूं कि ये खूबसूरत सोर्स, ये डिवाइन माइंड, ये जो हर चीज का सोर्स है, मैं वो महसूस करना चाहता हूं जो ये महसूस करता है। अब आप कहेंगे कि ये कहना तो बहुत ही आसान है अच्छा महसूस करना, लेकिन अच्छा महसूस कैसे कर सकता हूं जब मेरे आसपास सब कुछ इतना बुरा है? मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूं अगर मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर है? और मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूं जब मुझे पता है कि इस प्लेनेट की दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं? और मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूं जब वहां लोग हैं जो गरीब हैं और मेरे पास पैसा ही पैसा है जबकि वो भूखे मर रहे हैं? मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूं जब मेरे बच्चे वैसा करते हैं जैसा वो करते हैं? मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूं जबकि आपको अच्छा महसूस करना है तो आप कह रहे हैं कि आपको गॉड को महसूस करना है, मुझे इससे महसूस करना है, मुझे इसे कनेक्ट करना है। और मैं ये आपको एक बहुत ही खास बात बताता हूं, सालों पहले ही मेरे दिमाग में आई थी। आप इतने बीमार कभी नहीं हो सकते कि इस प्लेनेट पर एक इंसान को ठीक ना कर पाए, और आप इतने गरीब कभी नहीं हो सकते कि आप इस धरती पर एक इंसान का पेट ना भर पाएं, और आप कभी भी इतने कंफ्यूज नहीं हो सकते कि आप एक इंसान को अनकंफ्यूज ना कर पाएं इस धरती पर। आप कितना भी बुरा महसूस करें, जब आप महसूस करते हैं बुरा, असल में आप अपना कनेक्शन सोर्स के साथ खो देते हैं और कुछ नहीं। और जब आप वो कनेक्शन खो देते हैं तो आप जो क्रिएट करते हैं वो है रेजिस्टेंस, यानी रुकावट। मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, मैं इसे पाने का हक नहीं रखता, ये वो नहीं जो मैं कर पाऊं। और जब आप इस तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आप में बहुत सारे इमोशंस होते हैं और ये इमोशंस बन जाते हैं उदासी, डर, बेचैनी। और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं या कहना चाहता हूं वो ये कि इन इमोशंस का इस्तेमाल करें और इन्हें एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक पैरामीटर, एक गाइड सिस्टम की तरह अपने लिए, कि इस तरह के ख्याल मेरे दिमाग में है जो मुझे सोर्स के साथ कनेक्शन में नहीं रहने दे रहे हैं। और किसी भी वक्त जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप वो सब चीजें जो बिल्कुल उसके अपोजिट हैं जो आप चाहते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को गुड या गॉड को महसूस कर पाने से दूर रखने के लिए। अगर आप कोई न्यूज सुन रहे हैं और वो न्यूज बुरी है उन सब रीजन से जिनके कारण आपको डिप्रेशन महसूस करना चाहिए, और वो एक्सीडेंट नहीं है तो वो सब रीजन से जिनके कारण आपको नशा या दवाई की गोलियां जिससे आप ऊपर आ सके, तो यहां है कुछ डिप्रेशन। और रुकिए, हम अभी वापस आएंगे। मैंने उस दिन एक कमर्शियल देखा, मुझे नहीं पता ये किस बारे में था। एक आदमी सुबह उठता है और वो बाहर जा रहा है क्लैम्स लेने, और वो सुबह उठकर क्लैमिंग कर रहा है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्लैम्स पाने में चला जाता है और उसे उसके क्लैम्स मिल गए। और फिर वो बोलते हैं अपने डॉक्टर को कॉल करें अगर आपको कोई भी ये क्लैम ढूंढने वाले जादुई दवाई चाहिए। एक दवाई है जो ये ढूंढने में आपकी मदद करती है अगर ये आपकी प्रॉब्लम है। और बाद में ऐसा होगा कि कुछ होगा और हमें कहा जाएगा डॉक्टर को फोन लगाओ, मुझे ऑरेंज गोली की जरूरत है, ग्रीन गोली की जरूरत है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। इसका कोई अंत ही नहीं है। ये एक कारण है जिसलिए मैं अपनी इतनी एनर्जी पब्लिक टेलीविजन में डालता हूं, क्योंकि जब मैं शाम की न्यूज देखता हूँ,
पीबीएस पर जो कि इकलौती न्यूज है जो मैं देखता हूँ, मेरे ऊपर बमबारी नहीं होती और मैं हर चीज को दोनों तरफ देखता हूँ, ना कि सिर्फ एक तरफा देखता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एक एनर्जी सिस्टम है। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मेरे आइडिया में इंटेंशन से कनेक्ट करने की कुछ मुश्किलें हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कौन सी मुश्किलें हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए ये समझने के लिए कि ये फील्ड कैसा दिखता है और आप क्या कर सकते हैं इससे जुड़े रहने के लिए। ये शब्द ध्यान में रखते हुए मुझे अच्छा महसूस करना है। मुझे पता है मेरी खूबसूरत बेटी जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर गाएगी, एक म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और वो मेरे पास आई हुई थी। उसने कहा कि क्या आप चलेंगे यूनिवर्सिटी स्कूल में मेरे साथ, और क्या आपको प्रॉब्लम होगी अगर मैं स्कूल से निकल जाऊं तो। और क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसने पूरी जिंदगी में कभी भी कोई बात नहीं मानी है जो मुझे बड़ों ने बताने की कोशिश की कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बड़े हमेशा मुझे सलाह देते थे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मुझे गाना गाना है, मुझे हमेशा से यही करना था, मेरे दिल में सिर्फ एक चीज है और वो है गाना। और फिर मुझे समझ में आया कि वो कह रही है कि मैं अपने जूनियर ईयर के क्लासरूम में और नहीं बैठ सकती और उनसे नहीं सुन सकती कि कैसे गाना है जो खुद नहीं गाना गा रहे हैं। मुझे थ्योरी भी पसंद नहीं, मैं गाने को अंदर महसूस करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छे विचार है और मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा और तुम मेरे लिए गाना, क्योंकि मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं जब वो मेरे साथ स्टेज पर होती है, आप जानते हैं। और फिर मैंने उससे कहा कि बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या सीडी बनानी चाहिए जिससे तुम यहाँ आकर गा सको और किसी तरह वो इंक्लूड कर सको जिसका संबंध उससे हो जो मैं बोलता हूँ। उसने कहा ठीक है। और फिर कुछ वक्त बाद मैं लिख रहा था और उसने कहा कि पापा जो म्यूजिशियंस मुझे चाहिए ये सब करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें खुद को उन कंडीशंस में घिरे हुए सोचना होगा जो तुम चाहती हो कि हो, मत सोचो उनकी वो म्यूजिशियंस अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, स्कूल की तुम म्यूजिशियंस से घिरी हुई हो और तुम देखोगे कि जब तुम सोर्स से वापस जुड़ोगी तो वो तुम्हें म्यूजिशियंस दे देगा। ऐसा ही होता है, हमेशा होता है, ये सिस्टम है, तुम डरो मत। उसने कहा ठीक है ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरे दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि पापा विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आपने जो कहा मैंने वो किया और सारे म्यूजिशियंस मेरे पास अवेलेबल हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ स्टूडियो नहीं मिल रहा है जहां मुझे गाना रिकॉर्ड करना है। साउथ फ्लोरिडा में कोई भी स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, एक भी स्टूडियो खाली नहीं है और मैं चाहता था कि वो ये काम 4 दिन में पूरा कर ले, सीडी बनाने का ये पूरा का पूरा काम। तो उसने मुझे दोबारा फोन किया और कहा कि मैं स्टूडियो कैसे अरेंज करूं। मैंने कहा स्काई सोचो अपने आप को उन कंडीशंस में जो आप चाहते हो कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऐसे डिस्कवर नहीं हुआ, सोचो जरा इस बारे में। उसने कहा ठीक है मैं समझ गई लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। उसने मुझे अगली सुबह फोन किया और कहा कि डैड ये चमत्कार है, जो स्टूडियो मुझे चाहिए था उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई और म्यूजिशियन भी अब अवेलेबल है, मतलब दोनों चीजें अवेलेबल है, अब मैं जो चाहती हूँ कर सकती हूँ, ये बहुत ही एक्साइटिंग है, ये वाकई काम करता है। मैंने कहा ऑफ कोर्स काम करता है। तो उसने कहा एक समस्या और है कि सब में काफी पैसा लग रहा है इन म्यूजिशियंस को पे करने के लिए और स्टूडियो का टाइम लेने के लिए। मैंने कहा कि इसका है तुम्हें अपने आप को उन कंडीशन में घिरे हुए सोचना होगा जिनमें तुम होना चाहती हो। उसने कहा इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। और मैंने कहा बेटा मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूं। तो उसने कहा तब तो आपको डॉक्टर फिल को कॉल करना चाहिए और ये आपको अच्छा महसूस करवाएगा क्योंकि आप अपने आप को सोचेंगे अपनी बेटी से घिरा हुआ, आप अच्छा महसूस करेंगे। और उसने ये कर दिखाया, अपना काम पूरा किया और सीडी बनाई। ये शायद एक छोटा सा स्टूपिड एग्जांपल लग रहा है पर ऑब्स्टेकल्स जो हमारे सामने होते हैं वो क्रिएट करने के लिए जो हमें चाहिए वो ज्यादातर उस तरह से होते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं, सोर्स से अलग। और वो हर ख्याल जो आपके दिमाग में आता है जो कहता है
मैं ये नहीं कर सकता, ये रेजिस्टेंस है सोर्स से कनेक्ट करने के लिए। और हर ख्याल जो आपको कहता है कि ये पहले कभी काम नहीं किया, वो भी रेजिस्टेंस है सोर्स से कनेक्ट करने में। सोर्स की एनर्जी में वाइब्रेट करने के लिए जो आपको चाहिए उससे सबसे हाई एनर्जी सोर्स से हारमोनी में लाने के लिए। मुश्किलें जो हमारे रास्ते में है वो तीन तरह की है। पहली और बड़ी है ईगो, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपको सीखना होगा कि कैसे गुस्सा नहीं हुआ जाए। ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी में मौके ढूंढते हैं गुस्सा होने का, और ऐसे बहुत कम मौके होंगे जब ऐसे कम लोग मिलेंगे। आपको किसी के कपड़े पसंद नहीं और आप उस पर गुस्सा हो जाएंगे, किसी की बात करने के अंदाज पर गुस्सा हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं कि मैं थोड़ा अलग तरीका अपनाता हूं। जब मैं सफर में होता हूं, मैं हर रोज दौड़ना पसंद करता हूं, लेकिन अगर बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है तो मुझे बहुत सामान उठाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं सिर्फ शॉर्ट्स उठा लेता हूं और हॉलवे में ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर देता हूं, और ऐसे मुझे एक घंटा दौड़ने का टाइम मिल जाता है। अब दूसरे लोग जिन्हें कि एक पसीने से भरा हुआ आदमी पसंद नहीं है, तो जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो गुस्सा हो जाएंगे कि क्या इस आदमी को पता नहीं है कि यहाँ पर पसीने में नहीं आना चाहिए। वो मेरे एक्सपीरियंस को खुद गुस्सा होने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो नीचे आते हो वो अपनी बीवी पर चीखेगा चिल्लाएगा, और उसका कारण ये है कि मैं वहाँ पसीने में था। वो घर जाएगा और हो सकता है अपनी बीवी को मारे भी। इसका क्या करेंगे। एक दिन का किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, काफ़ी दिलचस्प है। उस दिन मैं हॉलवे में दौड़ रहा था और दरवाजा खुला, एक औरत आई, उसकी उम्र होगी 92-93 साल, और उसके पास छोटा वॉकर भी था। तो मैं उसके आगे से निकल गया और उसके पास वॉकर था। उसने कहा, यंग मैन। मैंने सुना यंग मैन, मुझे बहुत अच्छा लगा उसने ये कहा। उसने कहा कि तुम ये कर क्या रहे हो। मैंने कहा, मैडम मुझे अच्छा लगता है अपने हार्ट बीट को वहां तक पहुंचाने, ये काफी अच्छा है, और मैं बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत गर्मी है। उसने कहा, तुम्हारे पास इस समय सुबह इतनी एनर्जी है कि तुम भाग सको। मैंने कहा, हाँ हाँ। तो उसने कहा कि तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आते थोड़ी देर के लिए। अब उस औरत का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही गजब का था। वो गुस्सा होने का बहाना नहीं ढूंढ रही थी। आप कितनी बार अपने आप को ऐसा कर पाते हैं, ये आपको रोकता है दूसरों से बेहतर महसूस करने से, या रोकता है खुद को सही होने से, जीतने से, या और अचीव करने से, या अपनी रेपुटेशन के बारे में कंसर्न होने से। इनमें से किसी का भी कुछ लेना देना नहीं है सोर्स एनर्जी से। इन सब का रिश्ता उस आइडेंटिटी से है जो ये कहती है कि मैं वो हूं जो सब मैं करता हूं। बस यही है। दूसरी मुश्किल है आपकी जिंदगी की, जिसे मैं कहता हूं आपकी लाइफ की एनर्जी। इस यूनिवर्स के बाहर हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में। तभी मैं इतनी ज्यादा इस किताब को प्रमोट करता हूं, पावर वर्सेस फोर्सेस बाय डेविड हॉकिंस। वो एक डॉक्टर हैं एरिजोना में। वो बात करते हैं कि जो ख्याल हमें आते हैं, और आप फिनेस्थीशियोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिर्फ एक मसल टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कोई चीज आपके लिए ठीक है या नहीं है, वो स्ट्रांग है या नहीं है। ऐसे ही हर ख्याल जो हमें आते हैं, और उन्होंने उन ख्यालों को हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने ये बात भी कही कि म्यूजिक जो हम सुन रहे हैं उसमें भी एनर्जी है, फोटोग्राफ्स में भी एनर्जी है, जो प्रेयर्स हम करते हैं, जो टेलीविजन का प्रोग्राम हम देखते हैं वहाँ बहुत लो एनर्जी है। अमेरिका का हर बच्चा 12,000 नकली खून देख चुका होता है अपने लिविंग रूम में, केबल टीवी पर और कमर्शियल टीवी पर, अपने 14th जन्मदिन से पहले। सोचिए 12,000 नकली खून। ये आप कभी भी पब्लिक टेलीविजन पर नहीं देखेंगे, इसलिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कोई इस तरह की एनर्जी देना अलाउड नहीं है। तो मेरा बेटा और मैं, हम दोनों वेकेशन के लिए थे, और मैंने एकदम से ये क्रेजी म्यूजिक सुना, कोई गैंगस्टर वाला, एक दूसरे को मारने वाला। मैंने अपने बेटे से कहा कि ये क्या है, ये क्या सुन रहे तुम, ये कोई म्यूजिक है, इस तरह का म्यूजिक अच्छा नहीं होता, क्या सुन रहे, ये ठीक नहीं है बेटा। उसने कहा, डैडी ये बहुत कूल है, ये बहुत कमाल म्यूजिक है, इसे रैप कहते हैं, 16 साल का है। मैंने कहा, जाओ सीडी लेकर आओ, ये वही है जो मैंने पावर वर्सेस फोर्स में पढ़ा था। उसने क्या कहा। मैंने कहा, आपका क्या मतलब। मैंने कहा, जाओ सीडी लेकर आओ। अब 16 साल का स्ट्रांग 6 फुट लंबा लड़का है, मसल वाला है, और उसने कहा कि क्या करना है। तो मैंने कहा कि सीडी ले आओ। तो वो सीडी ले आया, और फिर उसने कहा कि बताइए आप क्या करना है। मैंने कहा, इसे टेबल पर रख दो और ये केला ले लो, और इसे अपने दिल के पास रखो, अपनी बाजू बाहर निकालो और मुझे रेजिस्ट करने की कोशिश करो। मैंने फिर से दोहराया कि तुम मुझे रेजिस्ट करो उस बनाना को अपने दिल के पास रखकर। उसने वैसा ही किया और मैं उसकी बाजू को अपनी दो उंगलियों से नीचे नहीं कर पाया।
पर मैंने कहा आप वो सीडी ले लो और उसे अपने दिल के पास रखो। उसने वैसा ही किया। उसकी एनर्जी के साथ ये मानना मुश्किल है, पर आप अपने तरीके से कोशिश कर सकते हैं। और वो इस बार वो कम पड़ गया मेरी दो उंगलियों के आगे। उस एनर्जी ने उसे नीचे कर दिया और मैंने उसकी बाजू को झुका दिया। जो खाना हम खाते हैं उसकी एनर्जी बताती है कि हम क्या हैं। वो लोग जिनसे हम घिरे रहते हैं, आप लोगों में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि मैं एक ऊंट हूं और ऊंट अपना दिन घुटनों से शुरू करता है और वहीं पर खत्म करता है और वो बिना पिए 24 घंटे रह सकता है। और वह मैं भी वो करता हूं, मैं 24 घंटे बिना ड्रिंक के रहता हूं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने अपने आप को अल्कोहलिक करार दे दिया था या कुछ, बल्कि मुझे किसी बहुत ही पावरफुल टीचर ने कहा था कि अगर तुम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जब तक कि मैं चाहता हूं कि तुम समझो, जहां तुम एक कलाबाजी खाकर अनकन्विंसेबल में पहुंच जाओ और जब खुद को देखो, खुद को अटैक कर पाने के लायक, हील कर पाने के, अबंडेंस क्रिएट कर पाने के, अगर तुम ये सब होना देख सकते हो तो फिर तुम वो हो सकते हो जो तुम होना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें पदार्थों को अपने शरीर में डालना बंद करना पड़ेगा जो तुम्हारे शरीर को खराब कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे वो एनर्जी नहीं चाहिए थी अपनी जिंदगी में। तो अपनी जिंदगी की एनर्जी को देखो। वो जगह जो आप पाते हैं, वो दोस्त जो आप बनाते हैं, वो लोग जिनको गलत लगता है जो आप कर रहे हैं, सबको देखिए। यहाँ तक कि छोटी साधारण सी चीज फेंगशुई, जो कि चाइनीज तरीका है कि आप फर्नीचर कैसे अरेंज करते हैं, ये इतना अच्छा है। मेरे पास एक औरत है जो इस पर काम करती है और जब भी मैं बाहर जाता हूँ, उसने किसी चीज को इधर कर रखा होता है, किसी को उधर कर रखा होता है, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। वो कहती नहीं 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 नहीं, फेंगशुई सही है, बिल्कुल सही है ये, और मैं बस उसको सुनता हूँ और मेरा घर बहुत ही अच्छी एनर्जी वाला है। ये बात और है कि समंदर के पास होने से भी फर्क पड़ता है, लेकिन मैं मानता हूं कि एनर्जी हर चीज में है। अपनी जिंदगी की एनर्जी को बदलो और उसे वापस जोड़ो स्पिरिट की एनर्जी से। स्पिरिचुअल एनर्जी हील करने वाली होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी अबंडेंस की एनर्जी होती है। अब तीसरी चीज जो हमारी मुश्किल है, हमने ईगो पर ध्यान दिया, अपनी एनर्जी पर ध्यान दिया, अब है कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? अगर आप सोचते हैं, ये मेरा पसंदीदा कोट है, अगर आप सोचते हैं कि क्रिएटिव सोर्स आपकी जिंदगी में, ये ऐसा सोर्स है, ये सोर्स आपके बिलीफ पर शॉर्टेजेस यानी कमी के साथ रिएक्ट करता है, आपके बिलीफ को पूरा होने के साथ, अगर आप मानते हैं कि शॉर्टेज है और आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित नहीं कर रहे हैं, अब ये एक सोर्स है जिसमें अनलिमिटेड एबंडेंस है, ये हर वक्त क्रिएट करता रहता है, इसको शॉर्टेज के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आप इस सोर्स के पास आएंगे इस बिलीव के साथ कि आपकी जिंदगी में शॉर्टेजेस हैं, ये आपके बिलीफ को पूरा कर देगा। अगर आपको लगता है कि आप हील नहीं हो सकते, तो आपके लिए हील हो पाना नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि आप खुश नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको बुरी हालत में रहना है, अगर आप मानते हैं कि आप सही इंसान को अटैक नहीं कर सकते, मानो कोई प्रोजेक्ट है जिसे आपको फंड करवाना है और आप इस सोर्स के पास आते हैं अपने बिलीफ के साथ शॉर्टेजेस में, ये आपके उस बिलीफ को पूरा कर देगा। इसे केवल पता है कैसे रहना है। याद है मैंने पहले कहा था कि आप इसके साथ एक हैं और आप इसके प्रिंसिपल्स के साथ भी एक हैं, और आपको सोचना है अपने आप को हार्मोनी में इसके साथ जुड़े हुए। ये एक गेम की तरह है जो टीवी पर सालों से आती रही है और उसे कहते हैं मैच गेम। और इस गेम को देखने में मजा आता है क्योंकि वहां लोग होते हैं जिन्हें लगता है वो एक दूसरे को जानते हैं और फिर वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से मैच करने की कोशिश करते हैं। आप भी गेम में होना चाहते हैं और जिस मैच गेम में आप होना चाहते हैं वो है जिसमें आप मैच करें इस सोर्स के साथ, इसी के आपको हमेशा उनके साथ मैच करना है। मैं आपसे ये चाहता हूं इस प्रोग्राम में कि आप इंटेंशन को समझें और पावर ऑफ इंटेंशन को समझें। मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को देखें हर वक्त, जब चीज काम नहीं कर रही है, जब आप ठीक नहीं हैं, जब सही लोग नहीं आपके आसपास, आप अपने आप से कुछ कुछ कह सकते हैं।
मैंने लोगों को ये कहते सुना है, पता है मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ अंत से सोचो, अंत से सोचो। तो मैं एक दिन एक आदमी से बात कर रहा था जिम में जहाँ मैं जाता हूँ। वो बीमार था, उसकी नाक बह रही थी, बुरी हालत में था वो। तो मैंने उससे पूछा, तुम कब से बीमार हो? और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने जो जवाब दिया, वाकई आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने कहा 3 हफ्तों में 1 महीना हो जाएगा। मैंने कहा ये कैसी सोच है भाई। एक बार मैं एक प्लेन चेंज कर रहा था, एलिस मेरे साथ थी और लगभग 8 मिनट थे अभी मुझे कनेक्शन बनाने से पहले, और जो औरत मेरे सामने खड़ी थी मैंने उससे कहा कि मैं सर आऊँगा अगर आप मुझे आगे आने दें क्योंकि मैं अपना कनेक्शन बनाने वाला हूँ। उसने कहा आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और दूसरे टर्मिनस पर जाना पड़ेगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कनेक्शन बनाने का। वो पता नहीं किस दुनिया में थी। मैं अंत से सोचता हूँ, मैं अपने आप को उससे जुड़ा हुआ सोचता हूँ जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, और अगर वो किसी कारण नहीं होता, वैसे तो मैं ब्लेम नहीं करता, गुस्सा नहीं होता, सिर्फ अपने आप से कहता हूँ ये वैसा है जैसा होना चाहिए और मैं इसके साथ पीस में होता हूँ। मैं पीस में रहना चाहता हूँ क्योंकि ये पीस है, मैं रेजिस्टेंस नहीं चाहता। आप किसी तरह की बात करते हैं अपने आप से, अगर आप सोचते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में नहीं है जिसकी कमी है आपके पास, और आप लोगों को बताते हैं क्या नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरा सोलमेट कभी नहीं मिला मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, आप उन सब चीजों की बात कर रहे हैं जो नहीं है, ये आपका सोर्स के साथ कनेक्शन है। याद रखें आप सोर्स से हमेशा जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि आप तैयार हैं आम तरीके से सोचना छोड़ने के लिए? क्या आप चाहते हैं स्पिरिचुअल लेवल के कॉन्शियसनेस में रहना जिसमें आप हार्मोनी में हैं उस सोर्स के साथ जो सब कुछ देता है? तो अगर आप सोच रहे होते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या नहीं है और आप इस सोर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो मिल जाए जो नहीं है, आप अपने विश्वास को जो नहीं है उस पर दोबारा खड़ा कर रहे होते हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है जैसा इंसान अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि क्या नहीं है, आप हैरान मत होना अगर आप उसके ना होने को ही अट्रैक्ट करते रहें। अगर आप सोचते रहेंगे कि क्या हमेशा हुआ है, तो हैरान मत होना अगर जो होता रहा है वही होता रहे आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपके ख्याल ही एनर्जी है। ये ख्याल कि हमेशा ऐसा ही रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन, मुझे इसे बदलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं सोर्स से कितना जुड़ा हूँ। ये सोर्स किसी भी चीज़ के ना होने को नहीं जानता है, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें, कुछ भी मिसिंग नहीं है यूनिवर्सल सोर्स में, और आप इसमें से आए हैं, आप उसका हिस्सा हैं। अगर आप हमेशा सोच रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं आपके लिए, उन्हें रिश्तेदार कहते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। मैं किताब लिखने वाला हूं किसी दिन जिसका नाम होगा आपके दोस्त भगवान का तरीका है रिश्तेदारों के लिए माफी मांगने का। मैंने ऐसा ही आपके रिश्तेदारों से कहा था और उन्होंने आपसे ज्यादा जोरदार तालियां बजाई थी, क्योंकि दोस्त एक ऐसा इंसान होता है जो इसके आगे आप खुल सकते हैं, जो आपसे ये नहीं कहता कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि हम लोगों से जुड़े हैं, हम बात करते हैं, और फिर क्या होता है, हम लोगों से बात करने लगते हैं कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, और हम नहीं चाहते जो वो चाहते हैं, और हम उस पर गुस्सा होते हैं हमारे लिए वैसा चाहने के लिए, और फिर हम हैरान होते हैं जब वो जो हमारे हमारे लिए चाहते हैं वही होता रहता है। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल अब्राहम एल्सो ने एक बार कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लोगों में, हाई फंक्शनिंग लोगों में और बाकी सब लोगों में यही फर्क है कि सेल्फ एक्चुअलाइजिंग लोग वो होते हैं जो वो हो सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं, जो वो नहीं हो सकते वो आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं कि अब मैं जादुई दूरबीन लेने वाला हूं और मैं ये मानने वाला हूं कि मैं इस जादुई दूरबीन से देख रहा हूँ सोर्स की ओर जहाँ से मैं आया हूँ, उसी सोर्स की ओर जहाँ से मैं आया हूँ, और सारे लोग वहीं से आते हैं। सवाल यह है कि मैं कहाँ से आया हूँ? उसका सवाल यह है कि मैं फील्ड ऑफ एनर्जी से आया हूँ, एक पार्टिकल बना उस फील्ड में से,
जो वो बन गया जो भी मुझे चाहिए था इस फिजिकल सफर के लिए। मेरा जन्म और मेरा मरण सब उसमें था। मेरा कद, स्किन का रंग, मेरे बालों का गिरना, सब कुछ उसमें था। जो कुछ भी इस फिजिकल बॉडी में हुआ वो सब वहीं से था। लेकिन वो उससे पहले भी हैंडल किया गया था जब वो सोर्स मटेरियल बना। और जब मैं शिफ्ट करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये मैं इसे अपनी किताब पावर ऑफ इंटेंशन में कहता हूं, फेसेस ऑफ इंटेंशन, 7 चरण इंटेंशन के। और किसी भी वक्त अपनी जिंदगी में जब आप इन 7 चरणों के साथ हार्मनी में नहीं हैं, आप रोक रहे हैं उसकी जादुई शक्ति को जो कि आप हैं, जिसने ना सिर्फ आपकी आंख का शेप डिसाइड नहीं किया है उसके पार्टिकल बनाने से पहले, बल्कि आपकी जिंदगी का साइज और शेप भी उसने डिसाइड किया है। आप यहां एक ऐसे फील्ड ऑफ एनर्जी से आए हैं जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। इन 7 में से सबसे पहले चरण को कहते हैं फेस ऑफ क्रिएटिविटी या क्रिएशन। और यहाँ फिर इंटेंशन आता है। ये मेरा इंटेंशन है कि मैं अपनी जिंदगी किसी मकसद के लिए जीऊं। ये रहा वो सोर्स, कितना खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। इसी से मैं निकला हूं, यहीं से तो मैं आया हूं। और ये सोर्स हमेशा क्रिएट कर रहा है। और आप जो इसमें से निकले हैं और फिर ईगो को मानने लगे हैं, आप में खींचने की एक अद्भुत शक्ति है, कमाल की शक्ति है। आप या तो खींच सकते हैं इस सोर्स से और वो बन सकते हैं जो ये सोर्स है, या फिर रेजिस्ट कर सकते हैं। आप में कितनी खींचने की शक्ति है, सोर्स में से आप कितना ले सकते हैं। जब आपका कोई मकसद होता है और आप लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हैं, मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था पतंजलि, और उनका एक ऑब्जर्वेशन था शब्द इन स्पिरिट के बारे में, और वो था कि इन स्पिरिट से ही इंस्पिरेशन बना है। और उन्होंने इसे इस तरह कहा कि जब आप इंस्पायर्ड होते हैं, यानी कि इंस्पिरिट होते हैं किसी भी महान मकसद के लिए, तब आपके सभी ख्याल अपने बांध तोड़ देता है। आपका दिमाग लिमिटेशन से ऊपर चला जाता है, आपका कॉन्शियसनेस हर तरफ से बढ़ने लगता है, और आप अपने आप को पाते हैं एक नई खूबसूरत दुनिया में। और फिर उन्होंने बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा डोरमेंट फोर्सेस, यानी आपकी वो शक्तियां जो आपको पता नहीं कि आपके अंदर हैं, वो सब जिंदा हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप उससे ज्यादा क्षमता वाले इंसान हैं जितना आप अपने आप के बारे में सोचते हैं। और ये बात मेरी आंखों में आंसू ला देती है, इतनी पावरफुल है। जब आप इंस्पायर्ड होते हैं आप इंस्पिरिट होते हैं, और जब आप इंस्पिरिट होते हैं आप क्रिएट कर रहे होते हैं। जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं सब कुछ काम कर रहा होता है। मेरे टीचर इंडिया में निसर्गदत्त महाराज से एक सवाल पूछा गया कि यहाँ वार हो रहा है पाकिस्तान में, यहाँ लोगों को मुश्किल हो रही है, वहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, और आप कैसे कह सकते हैं कि आप शांति में हैं जबकि दुनिया में अशांति है। तो उन्होंने कहा मेरी दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता। कितना पावरफुल थॉट है ये। आप कभी इतने बीमार नहीं हो सकते कि आप अपने आसपास वाले को ठीक ना कर सकें। आप कभी इतने गरीब नहीं हो सकते कि उन लोगों का ख्याल न रख पाएं जिनके जिंदगी में कमी है। आपको सिर्फ इस बारे में इतना करना है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, कि इसे कनेक्ट करो। जब मैं 19 साल का था तो मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया अपने स्कूल के बाद 1958 में, और मैं समंदर पार कर रहा था अपनी शिप तक पहुंचने के लिए, और मैं डॉक पर खड़ा था, और मैं यूएसएस वेगा नाम की शिप में था जो कि रेफ्रिजरेटर शिप है, जो मुझे पैसिफिक के उस पार ले जा रही थी 29 दिनों में, ताकि मैं यूएसएस रेंजर से मिल सकूं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो बहुत बड़ा था उस समय। और मुझे जिस जगह पर भेजा गया था वो थी योकोस्को जापान, और मैंने ये रेफ्रिजरेटर बोट ली और मैं सासिबो तक गया सदन जापान में। ट्रेन पकड़ी 19 साल का मैं, और मैं आगे बोट लेने वाला था 29 दिनों बाद, 19 साल का लड़का। और जैसे ही मैं बोट पर बैठा
इससे पहले मैंने ऐसा कुछ रोमांचक नहीं किया था। मेरे अंकल बिल, जो कि स्कूल टीचर थे हेवर्ड्स कैलिफोर्निया में, मेरे हीरो, मेरे यहाँ तक पहुँचने का एक कारण है मेरे अंकल बिल। उन्होंने मुझे एक किताब दी जो कि छोटी कहानियों का संग्रह थी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। उन्होंने मुझे किताब दी और कहा कि लियो टॉल्स्टॉय की कहानी डेथ ऑफ आइवन इलिच जरूर पढ़ो। और डेथ ऑफ आइवन इलिच ऐसे आदमी की कहानी है जो मॉस्को में जज है और हर रोज वहां तक जाता है काम करने के लिए, और वो अपनी जिंदगी से, अपनी बीवी से नफरत करता है और हर उस चीज से जो वो करता था, और फिर भी वो ऐसे ही चलता रहा और वो अपनी जिंदगी के अंत तक पहुंच गया। और वो अपने पलंग पर लेटा हुआ था और उस टाइम भी बीवी को देखा जिसने उसके हाथ पकड़े हुए थे, उसकी आंखों में देखा। मैं 19 साल का था जब मैंने ये पढ़ा और ये आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कहा जब वो मर रहा था कि अगर मेरी पूरी जिंदगी गलत हुई उसके कोई मायने नहीं। मैंने एक पेपर निकाला और मैंने अपना पहला एक तरह से 10 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस का एक जर्नल शुरू किया और उसमें लिखा, डियर वेन, मरना मत जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारा सुर है, मरना मत जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारा सुर है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे और आप सोच रहे हैं कि आपका पर्पस यानी मकसद क्या है, इतने सारे लोग सोचते रहते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मेरा मकसद क्या है। मकसद है कोशिश करना वापस कनेक्ट करने की। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये करना। बिल्कुल सही है, मुश्किल काम कौन करेगा जब स्मोकिंग जैसा सरल काम मौजूद है। लोग कहते हैं कि मैं इस बारे में सोच रहा हूं, तो मैं लोगों से कहता हूं कहते रहिए, बस सोचते रहिए, आपको वजन कम करना है, बस सोचते रहिए, इसके बारे में ध्यान दीजिए, अपने आप को चीज से घेर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको उससे कनेक्ट करता है, जिसके आप हिस्सा हैं, और आखिरकार आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको उसके बारे में सोच कर ही शुरू करना होगा। और आपका असली पर्पस जिंदगी का ये हो सकता है, मेरे पास एक जैकेट था जो मैं अपनी अलमारी पर टांगता था और उस जैकेट के सभी पॉकेट्स फटे हुए थे रेजर ब्लेड से, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जो आखिरी में आप जैकेट पहनते हैं अपनी जिंदगी के आखिरी में, उसमें पॉकेट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको अपने साथ पॉकेट्स में ले जाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भी मैं अलमारी को खोलता और उस जैकेट को देखता तो वो मुझे याद दिलाता कि तुम्हें एक दिन ऐसी जैकेट पहननी पड़ेगी जिसे पॉकेट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जिंदगी के साथ क्या करें, क्योंकि आपकी जिंदगी एक एटर्निटी है, कभी ना खत्म होने वाली। आप निकलते हैं एक इन्फाइनाइट सोर्स से, आप एक तत्व बनते हैं, आप तत्व हैं, सब कुछ जो आपको इस जीवन के लिए चाहिए इसी में है, और आप फिर खत्म हो जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप नोवेयर से आए, यहां नाउ हियर में दिखते हैं और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा गैप और बाकी वापस नोवेयर में चले जाते हैं। क्या लगता है आप कहां जा रहे हैं? वापस नोवेयर में जा रहे हैं आप। नोवेयर से नाउ हियर और फिर वापस नोवेयर, सब एक ही बात है। केवल जो आप कर सकते हैं वो है कि अपने जीवन को एक दिशा दें। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं अपनी जिंदगी के साथ, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है कि ढंग ढूंढिए कि आप किस तरह काम के हो सकते हैं, फिर चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आइसक्रीम कोन बेच रहे हैं अलास्का में, घोड़े चरा रहे हैं मोंटाना में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत आई मेरे पास एक बार, उसे एक बच्चा एडॉप्ट करना था। मैंने ऊपर देखा और कहां से? मोल्डोविया से। उसने कोई छोटा सा चेहरा देखा था एक प्रोग्राम में, किसी स्टेशन पर, शायद वो पीबीएस स्टेशन था, और वो चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। उसे मकसद मिल गया था अपने जीवन में, वही तो मकसद था उसके जीवन का, इसलिए वो मोल्डोविया गई और अपने बच्चे को घर ले आई। और ऐसे ही जब आप किसी काम के हैं, जब आप अपना जीवन दे रहे हैं और आपको पता नहीं कि ये कैसे करना है, आप अपनी ईगो को छोड़ देते हैं और समझ जाते हैं मकसद के साथ जीना मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं, मतलब आपने अपने आप को मकसद के साथ अलाइन कर लिया। आप ध्यान नहीं देते, लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आइवन इलिच ने कभी नहीं किया। आपको दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं कि आपके विचार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं, आपके विचार काफी मददगार है, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था।
अब इस बारे में सोचूंगा। ऐसे ही आप सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं, क्या मैं इस सोर्स एनर्जी से जुड़ सकता हूं या नहीं? जैसे ही आप इससे बाहर आना शुरू करते हैं, मकसद से अलग हो जाते हैं। आप अपने आप को सोचिए उन स्थितियों में जो आप जिंदगी में चाहते हैं। यही पहला चरण है इंटेंशन का। इंटेंशन का दूसरा चरण मेरा बहुत ही पसंदीदा है। मैं इसे कहता हूं फेस ऑफ काइंडनेस। ये मेरा इंटेंशन है कि मैं सबके साथ एक अच्छा रिश्ता बना कर रहूं, मेरे रिलेटिव के साथ भी। ये मेरा इंटेंशन है। मैं कहता हूं कि मैं अपने जीवन में इस जगह पर होऊंगा। अब आप ये कैसे करेंगे? आपको फिर से रेजिस्टेंस को देखना होगा, थॉट को देखना होगा और अपने आप को कहना होगा कि मैं खुद काइंडनेस बनूंगा किसी भी हालत में। कल हम मूवी देखने गए। मैं मूवी से वापस आया और वहां सड़क पर एक आदमी था बॉस्टन में जो कि बेघर था और वो दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं था। उसके पास एक छोटा सा कप था। उसने मुझसे कुछ चेंज मांगा और मैं ऐसे लोगों को हमेशा एक साइलेंट ब्लेसिंग भेजता हूं। और मैं चल रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कल बात करने वाला हूं काइंडनेस के बारे में। और मैं वापस आ गया और मेरे पास चेंज मिला कल कुछ $4 थे और मुझे उसके पीछे जाना पड़ा। वो कहीं नीचे चला गया था, वो गंदा था और ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। मैंने उसका कप लिया और उसके कप में चेंज डाल दिए। वो इस तरह करने लगा जैसे मैंने कोई $1,000,000 उसके कप में डाल दिए हों। वो मेरा पीछा करने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये एक छोटा सा काइंडनेस भरा काम था। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई जो आपसे पैसे मांगे आप उसे पैसे दे दें, लेकिन उसे आप एक साइलेंट ब्लेसिंग तो दे सकते हैं। क्या एक स्माइल नहीं दे सकते आप उसे, बजाय कि उन पर गुस्सा होने के? ये तो एक नेगेटिव एनर्जी है। और दोस्तों, आपको ये अपने अपने सभी रिलेटिव्स के साथ करना चाहिए, अपने सभी बच्चों के साथ ये करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहिए। आपको उन्हें देखना है हर बार जब आपके दिमाग में कोई ख्याल हो जो काइंडनेस भरा नहीं हो। मैं क्या करता हूँ, मैं सोर्स को छोड़ रहा हूँ और ईगो कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ एक रोमांचक रिसर्च है। आपको पता है सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह है आपके शरीर में, आपके दिमाग में। और ये आपके पास जितना ज्यादा होता है आप उतना ही अच्छा महसूस करते हैं। वेलबींग की फीलिंग है। और ये वेलबींग की फीलिंग है जो लाने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स बनाए जाते हैं। तो जब आप ये नाम लेते हैं जो अब आम हो गए हैं, हम इससे जोड़ते हैं कि ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा सके। सेरोटोनिन का मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है, पर अब वो लोग इसमें बेहतर होते जा रहे हैं। यह एक रोमांचक स्टडी है जो अभी पूरी हुई है कि कोई भी इंसान जिस पर काइंडनेस का एक्ट हो रहा है उनका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। वाकई ये एक रोमांचक स्टडी है, बहुत ही रोमांचक, क्योंकि उन पर एक्ट ऑफ काइंडनेस हुआ है और उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाता है क्योंकि उन्हें ये काइंडनेस का डोज मिला है, वो पाने वाला है। और कोई भी इंसान जो ये करने वाला है यानी कि देने वाला है, कभी भी आप कुछ भी करें जो कि एक्ट ऑफ काइंडनेस है, ये एक यूनिवर्सल सोर्स है और ये कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि ये एक ऐसा सोर्स है जो हमेशा देता है, जिसमें दयालुता भरी हुई है। ये हमेशा क्रिएट कर रहा है। क्या आप कर रहे हैं? ये हमेशा क्रिएट कर रहा है। जो ये क्रिएट कर रहा है काइंडनेस के साथ, ये सोर्स दुनिया क्रिएट करता है। ये क्रिएट करता है प्लैनेट्स और सिस्टम्स। आप चाहे माइक्रोस्कोप से देखें या टेलीस्कोप से, आप नहीं देख सकते कि कौन सा बड़ा व्यू है। ये कहना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सब इन्फिनिटी पर ही पहुंचता है। और ये वो सोर्स है जो वर्ल्ड्स क्रिएट करता है, जो आपको क्रिएट करता है। ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये कुछ भी बना सकता है, तो ऐसा कुछ क्यों बनाएगा जिसकी तरफ ये काइंड नहीं है? ऐसा क्यों करेगा? ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये सोर्स है जिससे सब बने हैं।
अगर आप किसी के लिए कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं, किसी के लिए भी और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके आप करीब हैं, और खास तौर पर अजनबी लोगों के साथ केवल एक मुस्कान देकर या कुछ अच्छा कहकर, चाहे एक क्वार्टर या एक डॉलर ही क्यों ना हो, मैं वापस जाऊंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सेरोटोनिन लेवल आप में भी उतने ही बढ़ते हैं जितने कि जिसके प्रति वो काम किया जाता है उसमें बढ़ते हैं, और उतना ही आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। तो अच्छे बनिए। पर इससे भी ज्यादा रोमांटिक क्या है, मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि जो एक्ट ऑफ काइंडनेस देख रहा होता है उसके भी सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो भी इस एनर्जी फील्ड में आ जाता है, उनका सेरोटोनिन लेवल और इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, क्योंकि वो उस एनर्जी फील्ड में है जिसमें कि कोई काइंडनेस दिख रहा है। जब आप किसी को देखते हैं दूसरे के लिए काइंड होते हुए, तो ये ऐसा है जैसे एक डोज एंटीडिप्रेसेंट का, सेरोटोनिन का बहाव। बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप में से कौन है जिसने दूसरे के लिए टिकट खरीदे हैं, आप नहीं खरीद सकते थे और किसी ने आपका खर्चा उठाया, वो केवल इसलिए चाहता था कि आप यहां आए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पूछता हूं कि उन्होंने कितना खर्चा किया, $100 उन्होंने मुझे दिया और वो खुद भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और मैं अपनी जेब से $100 निकालता हूं और कहता हूं कि क्या मैं ये काइंडनेस आपको वापस कर सकता हूं ताकि आप उनको वापस कर दें। और आप सबके दांत देख सकते हैं जो एक घंटे पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, हर किसी के चेहरे पे स्माइल है, हंस रहा है, खुश है, एक्साइटेड है, और मैं कहता हूं कि मुझे केवल $100 लगे आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए। बताइए ये खुशी आपको कितने डॉलर की दवाइयों में महसूस होती, करीब $10,000 की। डॉक्टर आपसे कहता है कि ये लीजिए वो लीजिए। हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी मैंने लिखी है पावर ऑफ इंटेंशन में, और ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत और ये सच्ची कहानी भी है। ये कुछ ऐसी है, मैं इसे शायर की कहानी कहता हूँ। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, इसका नाम है भगवान का परफेक्शन कहां है। ब्रुकलिन में एक स्कूल है चश, CHUSH, चश ऐसा स्कूल है जहां डिसेबल्ड बच्चों का ख्याल रखा जाता है। कुछ बच्चे चश में ही रहते हैं पूरा स्कूल खत्म होने तक, और कुछ को आम स्कूलों में दाखिला दे दिया जाता है। एक चश के फंड रेजिंग डिनर पर एक बाप ने एक ऐसी स्पीच दी जो कि कभी भी भुला नहीं पाएंगे वो लोग जिन्होंने उसे अटेंड किया। स्कूल के और वहां के कर्मठ स्टाफ के बारे में बात करने के बाद वो चीख पड़ा कि मेरे बच्चे शाया में परफेक्शन कहां है। जो भी भगवान करता है वो परफेक्शन के साथ करता है, पर मेरा बच्चा कभी भी फैक्ट्स और फिगर्स याद नहीं रख सकता जैसा कि बाकी बच्चे रखते हैं, इसमें भगवान का परफेक्शन कहां है। ऑडियंस चकित रह गई और बाप के दुख में दुखी हो गई और शांत हो गई उस दिल दुखाने वाले सवाल पर। मैं मानता हूं कि फादर ने यह जवाब दिया होगा कि जब भगवान शाया जैसे बच्चे को दुनिया में लाता है तो परफेक्शन वो जहां देखता है वो है लोगों के रिएक्शन में जब वो इस बच्चे को देखते हैं। बाप ने अपने बेटे शाया के बारे में कहानी सुनाई। एक दोपहर शाया और उसके पिता एक पार्क के सामने से जा रहे थे और कुछ लड़के बेसबॉल खेल रहे थे। शाया उन्हें जानता था। शाया ने अपने पिता से पूछा, क्या वो मुझे खेलने देंगे? शाया के पिता जानते थे कि उनका बेटा एथलीट नहीं है और ज्यादातर बच्चे उसे अपनी टीम में नहीं चाहेंगे, पर शाया के पिता समझ गए थे कि अगर उनके बेटे को चुना गया तो ये उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग देगा। और आप जानते हैं कि सबसे ऊंचा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स, और शाया ने कभी महसूस नहीं किया था। उसके पिता लड़के के पास गए और पूछा अगर शाया खेल सकता है। लड़के ने जवाब के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन जब उसे जवाब नहीं मिला तो उसने मामला अपने हाथों में ले लिया। उसने कहा कि हम 6 रन से हार रहे हैं और गेम 8th इनिंग पर है, शायद ये हमारी टीम में शामिल हो सकता है और 9th इनिंग में बैटिंग कर सकता है। शाया के पिता बहुत खुश हो गए और शाया ने बड़ी सी मुस्कुराहट दी। शाया को कहा गया कि वो ग्लव पहन ले और फील्ड में जाए।
एट्थ इनिंग के एंड में शाय की टीम ने कुछ रन बनाए पर वो अभी भी 3 रन से पीछे थी। फिर नाइन्थ इनिंग के एंड में शाय की टीम के 2 और लोग आउट हो गए और बेस लोडेड था। शाय की बारी थी और उसे कीमती रन बनाने थे जीतने के लिए। क्या टीम शाय को इस टाइम पर खेलने देगी और अपना जीतने का चांस छोड़ देगी? हैरानी की बात यह है कि शाय को खेलने के लिए बैट दिया गया। हर कोई जानता था कि यह नहीं हो सकता क्योंकि शाय को बैट पकड़ना भी नहीं आता था। माना तो दूर की बात है। शाय ने अपनी जगह ले ली। पिचर कुछ कदम आगे आ गया ताकि वो आराम से बॉल फेंक सके और शाय कम से कम बॉल तो टच कर पाए। पहली बॉल आई और शाय एकदम से हिला और उसने सब खराब कर दिया। एक टीममेट आया और शाय और उसने बैट पकड़ा, पिचर की तरफ मुंह किया और अगली बॉल को फेंके जाने का इंतजार करने लगे दोनों मिलकर। पिचर ने फिर से कुछ कदम शाय की तरफ बढ़ाए ताकि वो बॉल को धीरे फेंक सके और जैसे ही पिच आई शाय और उसके टीममेट ने बैट हिलाया और पिचर को धीमी नीची बॉल वापस की दोनों साथियों ने मिलकर। पिचर ने बॉल उठाई और आसानी से पहली बैट्समैन पर फेंक सकता था, शाय आउट हो जाता और गेम वहीं खत्म हो जाता। पर उसकी बजाय पिचर ने बॉल उठाई और उसके बाद उसने क्या किया कि फर्स्ट बेसमेंट से कहीं ज्यादा दूर बॉल फेंकी। सब चीखने लगे, शाया शाया रन टू फर्स्ट, रन टू फर्स्ट। शाया ने यह कभी नहीं किया था अपनी पूरी जिंदगी में। वो बेस लाइन पर सुनता रहा बड़ी आंखें करके। फिर जब तक वो फर्स्ट बेसलाइन पर पहुंचा राइट फील्डर के पास बॉल थी और वो सेकंड बेसमैन पर बॉल फेंक सकता था जो शाया को आउट कर सकता था क्योंकि तब शाया भाग रहा होता। पर राइट फील्डर समझ गया कि पिचर की इंटेंशंस क्या थी तो उसने बॉल ऊंची और तीसरी बेसमैन पर फेंकी। सब चीखने लगे, रन टू सेकेंड शाया, रन टू सेकेंड। शाया सेकेंड बेस की तरफ भागने लगा तब रनर्स जो आगे थे जानबूझकर पीछे हो गए। शाया सेकेंड बेस पर पहुंचा, दूसरी टीम का शॉर्ट स्टॉप उस तक भागा, उसे तीसरी बेसलाइन की तरफ मोड़ा और बोला, रन टू थर्ड शाया, रन टू थर्ड। जब शाया तीसरी की तरफ भागा दोनों टीम के लड़के शाया के पीछे भागने लगे और कहने लगे, शाया रन होम, शाया रन होम। शाया होम की तरफ भागा, होम प्लेट पर कदम रखा और सभी 18 लड़कों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और उसे हीरो बना दिया जैसे उसने अभी अभी टीम के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल की हो। उस दिन उसके पिता ने कहा, आंसू उनके चेहरे से लगातार गिर रहे थे। वो 18 लड़के अपने लेवल पर भगवान की परफेक्शन तक पहुंच गए थे। है ना खूबसूरत कहानी, ये मुझे हमेशा छू लेती है। क्रिएटिविटी और काइंडनेस पहले 2 फेजेस हैं इंटेंशंस के। थर्ड फेज इंटेंशंस का जो है वो है प्यार। मेरा दोस्त लियो बस्कालिया, आपको याद है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं लव के बारे में और पब्लिक टीवी के लिए काम भी किया है। 2 दिन पहले वो चल बसे और उन्होंने मुझे खूबसूरत लेटर लिखा और उन्होंने कहा, वेन बस अपना काम करते रहो जो तुम कर रहे हो, आप सही रास्ते पर हैं। उसने कहा, सूरज वो है जो हमेशा चमकता रहता है बादलों के पीछे, बस जुड़े रहे। ये मेरा दोस्त था जिसको मैं बहुत कम जानता था और उन्होंने लव के बारे में बताया कई सालों साल पहले। ओहो, अब तो दशक हो चुके हैं उस बात को, कई साल। मेरा जो एम है वो ये है कि मैं अपने आप को हमेशा रिस्पेक्ट करूं। आप दुनिया को कैसे देखते हैं ये सब सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने से कितना प्यार करते हैं। जब आप अपने आप में ट्रस्ट करते हैं, मतलब आप ट्रस्ट करते हैं उस विजडम को जिसने आपको बनाया है,
जब आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते और खुद को प्यार नहीं करते तो आप अपनी ही डिविनिटी को डिनाय कर रहे होते हैं और इसीलिए आप बिल्कुल उल्टा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो कि ये है लव का सोर्स, और ये है सोर्स ग्रेट रिस्पेक्ट का। ये ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं करता अगर इसमें उसके लिए प्यार की फीलिंग्स ना हो। अगर आप अपनी तरफ प्यार को महसूस नहीं करते तो आप किसी और को भी प्यार नहीं दे सकते। आप किसी को भी वो दे नहीं सकते अगर वो आपके पास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे कि अगर आप ऑरेंज को निचोड़ेंगे तो उसमें से ऑरेंज जूस ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑरेंज है। अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर डाले और वो बोले जो आपको पसंद नहीं है तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? आपको गुस्सा आएगा, एंग्जाइटी आएगी, घृणा होगी, आपको पसंद नहीं होगा, टेंशन होगा, आप परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस होगा। ये इसलिए नहीं कि जिसने आपको स्क्वीज किया है या जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है इसके लिए, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। इसका लेना सिर्फ उस चीज से जो इसके अंदर भरा हुआ है। अगर आप अपने लिए लव को महसूस नहीं करते तो आप शक्ति में विश्वास नहीं करते जिसने आपको बनाया है, और उसके पीछे सिर्फ यही तर्क है कि आप हमेशा अपने आप को रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपने जीवन इस तरह से बिताएं कि आप हमेशा मिलकर काम करना चाहते हैं, ना कि किसी कंपटीशन में, आप वो प्यार अपने काम में भी देख सकते हैं। ये उनमें से एक चीज है जो मैं अपने रिटर्न एड्रेस में देता हूं। इसमें मेरा नाम और नीचे एड्रेस होता है और नाम के ऊपर लिखा होता है लव इन एक्शन। बस यही आपको करना है, लव इन एक्शन। जब आप अपने आप से ये कहते हैं कि पूरा हूं, कंप्लीट हूं, जैसा कि मुझे बनाया गया था वैसा ही परफेक्ट हूं मैं पूरा हूं, कंप्लीट हूं, परफेक्ट हूं, जैसा कि मुझे बनाया गया था, और मुझे उस शक्ति ने बनाया है जिसने सिर्फ मेरी आंखों की शेप ही नहीं बनाई, बल्कि मेरा शरीर, हाइट, स्किन का कलर, मुझे उस शक्ति ने जन्म दिया जिसे ये अच्छी तरह से पता था कि मुझे क्या होना चाहिए और क्यों। और वो कभी रियलिटी में नहीं हो सकता अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, और जब अपने आप से प्यार नहीं करते हैं और उस स्टेट में आप किसी और ह्यूमन को जज करते हैं तो तब आप अपनी जजमेंट से उन्हें डिफाइन नहीं करते, जबकि आप अपने आप को डिफाइन करते हैं जो दूसरों को जज करता है। अगर मैं आपको बेवकूफ कहता हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बेवकूफ हैं। वो मुझे ऐसा बनाता है जो दूसरों के ऊपर लेबल लगाना चाहता है। और मैं एक दिन एक जगह पर गया था और वहां मिस्टर लोगन ने कहा, अगर आपने मुझे दुत्कारा, मैच गेम, मतलब मेरे थॉट्स मैच करते हैं उसके साथ जिसने मुझे बनाया है, और जब आपके थॉट्स उससे मैच करते हैं तो आप जो एक्चुअल में हैं वो नजर आएंगे और सही काम अपने आप होगा। और जिस भी चीज की आपको जरूरत है, जिसको कि सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, यह बिल्कुल ऐसा है कि आप जब प्यार में होते हैं तो और आप उस फीलिंग को नहीं रोक रहे होते हैं, तब एक जुटता बनती है आपकी भाग्य के साथ। और तब जब आप किसी को भी जज करते हैं तो आप ऐसा कह रहे होते हैं कि मैं जज करना चाहता हूं, वो नहीं बनाता हूं जो कि वो है। मैं कहना चाहूंगा कि प्यार और अपने आप को प्यार करने के लिए कि नोबिलिटी के द्वारा, ट्रू नोबिलिटी के द्वारा, इसका मतलब यह नहीं कि आप औरों से अच्छा सोचते हैं, इसका मतलब यह है आप खुद बेटर बने जो पहले आप थे। इसका मतलब यह है कि आप खुद पहले से अच्छा बनना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर और इस एज में मैं किसी भी एक आदमी जो यहां पर बैठे हैं उनसे कोई ज्यादा अच्छा नहीं हूं, ज्यादा बेहतर नहीं हूं, लेकिन इतना मैं पक्के तौर पर जानता हूं कि मैं पहले से अच्छा हूं। पहले जो भी कुछ मैं था उससे जाहिर तौर पर अब वाकई बहुत अच्छा हूं। मैं जानता हूं ये एक इंसान के तौर पर, पिता के तौर पर, राइटर के तौर पर, ग्रैंडफादर के तौर पर, हर चीज जो भी मैं आज हूं अपने जीवन में, मैं पहले से बहुत बेहतर हूं। प्यार बनो। चौथा फेज जो इंटेंशंस का है
वो है खूबसूरती। या हमारे पास वो सोर्स है जो कि अल्टीमेट सच्चाई है। ये वही सोर्स है जिससे कि आप बने हैं। तो आप इसे देख नहीं सकते, इसका कोई रूप नहीं है। पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को जन्म नहीं देते, आपको इसी सोर्स की जरूरत होती है जन्म के लिए। अब मैं आपको बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां बताना चाहूंगा ब्यूटी के बारे में। ये उसने लिखा जिसको ब्यूटी के बारे में उतना ही पता है जितना कि आपको है, और उनका नाम है निकल एंजेलो। मुझे नहीं पता कि आप में से कभी कोई फ्लोरेंस गया है और डेविड को देखा है। मतलब सिर्फ सेम रूम में खड़े होने के लिए, मैं वहां था सिर्फ डेविड को देखने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ 18 साल का था उस वक्त। मैं वहां पर सिर्फ 20 मिनट के लिए खड़ा था। मेरी पूरी फैमिली फ्लोरेंस घूमने गई हुई थी। मैंने कहा आप वापस आ जाइए क्योंकि मैं जगह को नहीं छोड़ सकता। मैं इतना मंत्रमुग्ध था उसकी सुंदरता को देखकर, और मैंने हमेशा एंजेलो से प्यार किया, और मैंने हमेशा उनसे पूछा कि कैसे सिर्फ एक मार्बल के पीस से आपने इतनी खूबसूरत चीज बनाई। उसने कहा डेविड पहले ही थे, मैं तो सिर्फ तराशता गया। डेविड आपके अंदर है, ब्यूटी आपके खुद के अंदर है। और एक चीज जो उन्होंने इसके बारे में कही, हर खूबसूरती जो यहां पर देखी गई है लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी अपनी सोच से, और वो सबसे ज्यादा उस चीज के जैसी लगती है जिसको हम सेलेस्टियल थॉट्स कहते हैं, और हम सभी वहां से आते हैं। क्या ये ग्रेट नहीं है? हर खूबसूरती जो हम देखते हैं वो सबसे ज्यादा सोर्स के जैसी दिखती है। हम सोर्स के बारे में बात कर रहे थे, संपर्क के बारे में, जहां से हम सब आते हैं। क्या आप खूबसूरती देखते हैं? क्या आप इसे कम या ज्यादा देखते हैं अपनी जिंदगी में? क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं ऐसे आदमी में जिसका घर नहीं है, जो सड़कों पर यूरिनेट करता है? किसी कॉकरोच में क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? जब आप कॉन्शियसनेस के हायर लेवल पर जाते हैं तो आप देखने लगते हैं ब्यूटी को सिर्फ उन चीजों में नहीं जो आप देख सकते हैं। आपको वो सब दूर दिखाई पड़ती है और आप इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकारते हैं। मेरा मनपसंद कोट है, मैंने कई साल पहले एक बुक लिखी थी, विजडम ऑफ द एजेस। ये कोई 60s के कलेक्शन थी। इसके बारे में टीवी पर और बीपीएस में भी काफी प्रोग्राम आते थे। आप में से काफी लोगों ने शायद इसे पढ़ी होगी। एक नौजवान आदमी था इंग्लैंड से, उसका नाम था जॉन कीथ। वो सिर्फ 24 साल की उम्र में चल बसा, और उसने हजारों ऐसे लिखे, कई लिखे 24 साल में। और उसने ये कहा था, जिस पर मैंने कैसे भी लिखा था, पर मैं ये कन्फेस करना चाहूंगा कि मैं पहले से बेहतर हूं। पर मैं कहूंगा मैंने इस कोट को तब तक नहीं समझा जब तक कि मैंने ये किताब नहीं लिख दी जिसका नाम है पावर ऑफ इंटेंशंस। जब तक कि मैं इन सारी चीजों को इस प्रोग्राम में आपके लिए नहीं लाया, मुझे तब तक ये पूरा समझ में नहीं आया, पर अब पूरा समझ में आ गया। ये लास्ट लाइन है, पोन के सब ग्रेशन अर्थ में है। ये कुछ ऐसा है कि खूबसूरती ही सच्चाई है। देखो ये वो सोर्स है जिससे हम सभी उत्पन्न हुए हैं और फालतू का ईगो पालते हैं। ब्यूटी सच्चाई है, सच्चाई ब्यूटी है, और बस आपको यही पता है इस दुनिया में, और बस इसके अलावा कुछ पता नहीं। और ये उन ग्रेट थॉट्स में से एक है जो उस समय के हैं। आपकी नेचुरल स्टेट है खूबसूरती, खुशी और शांति। मैं अनुभव करना चाहता हूं ब्यूटी का, और आप जानेंगे जीवन में ब्यूटी को लाने का एक ही तरीका है कि इसे अट्रैक्ट करें। मैं उस रास्ते पर जाता हूं जहां सबसे कम रुकावटें हों, उस रास्ते पर जहां रुकावटें ना हों। वो कौन सा रास्ता है जहां रुकावटें ना हों? ये वो रास्ता है जो जितना संभव हो सके मैं उसके करीब रहना चाहता हूं। इसे कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी का रास्ता। बात है 1978 में, मेरे पास एक बहुत ही शानदार अवसर था, मेरी जिंदगी का सबसे शानदार अवसर। मुझे इन्वाइट किया गया था YPO ने, Young President's Organization, मुझे बुलाया गया वियना, ऑस्ट्रिया। ये उस समय की बात है जब वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। मैं 38 साल का था और उन्होंने मुझे उन सभी यंग प्रेसिडेंट्स को लेक्चर देने के लिए बुलाया था वहां पर। उस वक्त मैं ज्यादा ईगो मोड में था, उससे ज्यादा जैसा कि मैंने अब लाइफ में सीखा है।
किस्मत से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने एक बुक पढ़ी थी कॉलेज टाइम में, और उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और मैंने इस बुक के बारे में बात की थी जिसमें कि इंसान की खोज के बारे में लिखा था, और इसे लिखा था एक आदमी ने जो कि होलोकॉस्ट का सर्वाइवर था। विक्टर फ्रैंकलिन नाम के इस आदमी ने डिसाइड किया कि वो होलोकॉस्ट से जिंदा बाहर निकलेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ये कहानी सुनानी है, वही उसका मकसद था। मैं वियना गया और मैंने देखा ये आदमी जो फोस्टर होम्स के लिए काम करता था और भी थोड़ा बहुत था उसके पास जीवन में, वो भी सेम पैनल में बैठा था जहां विक्टर फ्रैंकलिन बैठा था। मैन सर्च फॉर मीनिंग, मैं वहां सबके साथ बैठा था। मुझे याद है एक बार रूमी ने मुझसे कहा था, अपनी चतुरता बेचो और एक वर्दी इंसान बन जाओ और बस उसी स्टेट में रहो और फील करो। और मैं पूरी तरह से एक सरप्राइज स्टेट में वहां बैठा हुआ था उस पैनल में, उन लोगों के बीच। हम सब उन प्रेसिडेंट्स के सामने डिस्कस कर रहे थे और वहां एक ऐसा इंसान था जिसका सब कुछ छिन चुका था, और इस साइकेट्रिस्ट को जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया, और उसने बताया कि किस तरह उसने खुद को बचाया। उसने बताया है कि नाजी उसको सूप पीने के लिए देते थे जो सिर्फ गर्म पानी होता था, और कभी कभी तो उसमें कीड़े भी होते थे, और उसके अंदर एक मरी हुई फिश थी जिसकी स्मेल थी उसको दिए गए सूप में, बस वही उसका खाना था उस दिन। और उसने इस पूरी चीज की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया, गुस्सा नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि गुस्सा, नफरत या पछतावा लो एनर्जीज होती हैं, और ये सब की सब हमेशा आपको कमजोर करती हैं। उसने सीख लिया कि ब्यूटी उस मरी हुई मछली में भी है। आपको इसे हर जगह पर ढूंढना आना चाहिए। ब्यूटी है सच्चाई, और सच्चाई ब्यूटी दोनों एक हैं। आप इसे ढूंढिए जहां जहां पर आप इसे ढूंढ सकते हैं। इंटेंशन का जो अगला फेज है उसे कहते हैं फेज ऑफ एक्सपेंसिवनेस, और मेरी इंटेंशन यहां पर यह है कि मैं अपने आप को एक जीनियस बताना चाहता हूं। हर कोई जीनियस बनकर पैदा हुआ है, पर जब आप प्राइस पे करते हैं जीनियस जैसा जीने के लिए, तो वही जीनियस है आप में। सच है ये जो सोर्स है ये एक एक्सपेंसिव सोर्स है, और ये हमेशा कुछ नया बनाती रहती है, और आपको वो फॉर्मिंग पावर बनना है। और जो स्थिति है एक्सपेंशन की, आपको उस स्टेट में रहना है कि आप हमेशा बड़ा हो रहे हैं, उसी तरह जैसे कि आप यूनिवर्स आपके पहले है देख लेते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने एक और बात कही और यह बात वाकई बहुत ही बढ़िया थी। उन्होंने कहा था, मैं जो सीखना चाहता हूं वो यह है कि गॉड किस तरह से सोचते हैं, और कुछ मुझे पसंद नहीं है, सब कुछ डिटेस्ट है। आप ऐसा सोचें, फील करें और साउंड करें जैसे कि आपका सोर्स कहता है, तो आपको अटेंशन देनी है और अपने सारे इनर थॉट जिनमें थोड़ा सा भी डाउट है। हर कोई जो जीनियस हुआ है, उन्होंने कहा है, उनके अंदर एक रेडिकल ह्यूमैनिटी होती है, वो इसके बारे में कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बात करते और ना ही इसके बारे में कोई बहुत ग्रेट सोचते हैं। उनको बस पता होता है कि वो उनके अंदर है, वो सोर्स से यहां आए हैं और कुछ करने आए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि, क्योंकि मैं ये सब बातें इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने कर रहा हूं, जैसे अगर मैं ऑडियंस में बैठूं और लिखूं कि मैं एक जीनियस हूं। दोस्तों, मैं इससे खोलता हूं और मैं सिर्फ एक स्विच को ढूंढ रहा होता हूं जो ऑन ऑफ हो जाए। बस ऐसी आशा करता हूं, नहीं तो मैं खुद एक बहुत ही इग्नोरेंट और चैलेंज्ड इंसान हूं। अगर मुझे कुछ चीजों को जोड़ने के लिए बोला जाए और मुझे ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी स्क्रीन डोर्स को फिक्स करने में नहीं लगाना चाहता हूं, मैं उस चीज को होते हुए देख लेता हूं जिस तरह से आप फील करते हैं। फील करते हैं कि फील ऑफ एक्सपेंशन के इस तरह ये बढ़ता जाता है, उस वक्त आप स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ होते हैं, जैसे कि आप खुद बने हुए होते हैं, आप एक जीनियस हैं। पर आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप दूसरों में जीनियस को ढूंढें,
हर किसी में उसको ढूंढें और उसको बार बार याद दिलाएं। मेरे 8 बच्चे हैं और हर कोई अपने आप में एक जीनियस है। मेरी एक बेटी बिल्कुल वैसे जैसे अभी कोई एक अच्छा एक्ट कर रही हो, वो जीनियस है जब वो माइक लेकर बातें करती है। और मेरी दूसरी बेटी जो कि हॉर्सेस के अलावा कुछ भी सोचती ही नहीं है। बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखाना इतना अच्छा लगता है उसे, जब वो एग्जाम देने जाती तभी यही सोचती है, और जब वो घोड़ा दौड़ाती है तो उसके बाल उड़ते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, इतनी अच्छी लगती है वो कि कुछ कह नहीं सकता मैं। और उसे पता है कि यही उसका पर्पस है, उस पर्पस में वो आनंद लेती है और दूसरों को सिखाती है, यही उसकी खासियत है। घोड़ों पर बैलेंस से कैसे बैठा जाए ताकि आप न गिरें, यही तो उसकी ब्यूटी है। और इस अंदाज से वो एक जीनियस है, बहुत ही बड़ी जीनियस। मेरा एक बेटा है जो सर्फर है, उसने अपनी लैंग्वेज भी बनाई है। वो इस भाषा में बात करता है जो कि वो और उसके दोस्त ही समझ सकते हैं। और मेरा भाई डेविड भी ऐसा ही है, उसने एक भाषा बनाई थी जब हम लोग 13-14 साल के थे और आज भी हम उसे समझते हैं। हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि बड़ा भरून बड़ा 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 डार जो डार। और मेरे बच्चे समझते हैं इस बात को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, जबकि मेरा भाई से समझता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो एक जीनियस है, मेरे सारे बच्चे जीनियस है एक तरह से या फिर दूसरे तरह से। और आप में से भी हर कोई एक जीनियस है। जीवन को डी जीनियस मत बनाइए। आप उस सोर्स से आए हैं जिसने परफेक्शन क्रिएट किया है। अगला पड़ाव जो इंटेंशन का है उसको कहते हैं फेज ऑफ अबंडेंस। और ये फेज अबंडेंस का याद रहे, मैं वापस जा रहा हूं, ये अबंडेंस जो है वो आपकी क्रिएटिव सोर्स में विश्वास करता है। जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है उस वक्त जो आपकी क्रिएटिव बिलीफ होती है पूरा होने के, तो अगर आप विश्वास करें और पूरा विश्वास करें तो आप एविडेंस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपने उस इंसान के साथ कनेक्शन बनाया है जिसको एबंडेंस के बारे में पता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी कॉलोनी के बच्चे और मैं घर में जाते थे, सोडा की बॉटल हमारे साथ होती थी। आप जानते हैं सोडा की बोतल क्या होती है, अच्छे से जानते होंगे। हम उन्हें इकट्ठा करते थे और इसके बाद 2 सेंट्स की आती है उस टाइम पर, अगर आप उसे वापस देते थे तो। मैं इस काम में मास्टर था, मतलब बॉटल्स को इकट्ठा करने में, इस तरह से कुछ यूं। हमारे यहाँ कोयले की भट्टी होती थी जिसमें कोयला पड़ा होता था और मैं जुट जाता था कोयले की भट्टियों से कोयला निकालने में। और ग्रोसरी स्टोर में जाता, और क्योंकि उस वक्त मैं दिमाग में उस सोडा बॉटल्स के बारे में सोचता था, वो ऐश मैं शॉप पर देखकर ओल्ड लेडीज के लिए लाता था। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ आज इस वक्त? मैं वही बॉटल्स इकट्ठी कर रहा हूँ, वही ऐश इकट्ठी कर रहा हूँ ग्रोसरी खरीदने के लिए उन ओल्ड लेडीज के लिए, बस एक बड़े लेवल पर। जैसे अगर मैं सोर्स के पास जाकर बोलूं कि मेरे पास एनफ है, तो सोर्स को कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे रिएक्ट करें। ये सोर्स हमें एंडलेस सप्लाई देता है, जैसे कि समुंदर देता है। आप जितना चाहे उतना पानी उसमें से ले सकते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जरा भी पानी कम नहीं होगा। और समुंदर को इसकी कोई परवाह नहीं है, समुंदर में जरा भी पानी कम नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हर चीज वापस सोर्स के पास जाती है। मैं जहां भी जाता हूं, दरअसल आज सुबह ही मेरे साथ ये हुआ है, बहुत ही मजेदार है। मुझे एक 10 पैनी का सिक्का मिला, बहुत ही बड़ी बात है ये, वाकई बहुत ही बड़ी बात है। सचमुच पैसे तो कितने भी मिले, बहुत बड़ी बात होती है। और जब मैं इसे उठाने के लिए झुकता हूं तो देखता हूं कि ये सिक्का थोड़ा आगे चला गया। मैं झुकता हूं और कॉइन को उठा लेता हूं और कहता हूं, गॉड आपका शुक्रिया इस सिंबल ऑफ अबंडेंस के लिए जो मेरी जिंदगी में फ्लो करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि इतने कम पैसे क्यों, ये तो सिर्फ 10 पैनी, मुझे तो $1,000 चाहिए और आपने सिर्फ 10 पैनी दिए मुझे। मैं आपको एक ग्रैंड माँ की कहानी सुनाता हूँ जो अपने ग्रैंड सन के साथ बीच पर चल रही थी और उससे किसे कहानी सुना रही थी, और तभी एक बड़ी सी लहर आई और उस बच्चे को ले गई। लहर बच्चे को समंदर के अंदर ले गई और ग्रैंड मां बहुत दुखी हुई और गॉड से प्रे करने लगी कि मुझे मेरे बच्चे ग्रैंडसन को वापस लौटा दो प्लीज, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त है। और तभी अचानक एक बड़ी लहर आई किनारे पर और ग्रैंड मां के पास उसके ग्रैंडसन को वापस छोड़ दिया।
ग्रैंड मैंने ऊपर देखा और कहा, ग्रैंड सर ने एक हैट पहना हुआ था। फेस ऑफ अबंडेंस ये है कि आपको सोर्स के पास आना है, ये सोचकर नहीं कि कुछ कमी है, क्योंकि उसके लिए कुछ मिसिंग नहीं है, वहां तो हर चीज भरपूर है। जब आप बोलते हैं कि मेरी मिसिंग चीज मुझे दे दो, तो ये आपकी बात को कंफर्म करके सच में उसे मिस कर देता है आपकी लाइफ से। आपको इस सोर्स के पास अबंडेंस को फील करते हुए आना है, उसके पास आपको आना है शुक्रिया अदा करते हुए और अट्रैक्ट करते हुए, ऐसा सोचते हुए आना होगा, और उस वक्त वो सोर्स आपको सब कुछ दे देगा। फाइनल फेज है इंटेंशंस का, उसे कहते हैं सेवेंथ फेज ऑफ इंटेंशंस। इसको मैं फेज ऑफ रिसेप्टिविटी कहूंगा। ये मेरी खुद की इंटेंशन है कि मैं अपनी लाइफ में आइडियल लोग और आइडियल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करता हूं। ये जो यूनिवर्स रिसोर्स है, इसको मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर समझता हूं। इसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसे कि रिसेप्टिव कैसे ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास जो ये आपको देगा और किसी और को नहीं। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक को अच्छा जज करे और दूसरे को नहीं। पर क्या आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? क्या आप सबके लिए रिसेप्टिव है? और मैं आपको बताऊं, ये अच्छी तरह काम करता है। मेरी सेक्रेटरी माया और मैं, वो मेरे साथ 25 सालों से काम कर रही है, और उसके बिना शायद मैं कोई जादू नहीं कर पाता। उसके बिना पॉसिबल नहीं होता ये, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाता। हम शिकागो में एक मीटिंग के लिए जा रहे थे फ्लोरिडा से, और हमारे पास 7 बॉक्स थे जिसमें बुक्स थी, और हमें इन सारी बुक्स को प्लेन में अपने साथ ले जाना था। ये वो वक्त था जब आप अपने साथ प्लेन में कुछ भी ले जा सकते थे। और जिस फ्लाइट पर हम जा रहे थे उसका मैं प्लैटिनम मेंबर था, और हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और हमारे बॉक्सेस ऑलरेडी चेक इन हो चुके थे, और हम दूसरी एयरलाइन के पास गए अपने 7 बॉक्सेस के साथ। हम दूसरी एयरलाइन लेडी के पास पहुंचे और उस लेडी ने देखा कि हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं, और उसके फेस पर बिल्कुल ऐसा रिएक्शन जैसे कि कह रही हो कि ये बॉक्सेस एयरलाइन में आप नहीं ले जा सकते, और वो पूरी तरह श्योर थी कि ये बॉक्सेस नहीं जा सकेंगे किसी भी कीमत पर इस एयरलाइन में। और मैं इस तरह के सिचुएशन लाइफ में ऐसे हैंडल करता हूं, जैसे अगर मुझे कोई होटल में चेक इन करते वक्त परेशान कर रहा हो, मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि मैं पावर ऑफ इंटेंशन को यूज कर सकूं। मैं सोचता हूं कि क्या मैं इस पर्सन के साथ रिसेप्टिव हो सकता हूं अच्छी तरह से, और बिना कोई टाइम के बीते वो चीज अपने आप होने लगती है। और ये कोई आर्टिफिशियल बिहेव करने से भी नहीं, बल्कि बहुत ही प्यार से होती है। मतलब कि अगर मैं उसे काइंडनेस और लव भेजूं, मतलब मैं वैसा ही बिहेव करूं जैसा कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर मैं हार्मोनी में हूं तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। तो मेरी सेक्रेटरी थोड़ी गर्म हो गई थी, पर मैंने उसे कहा थोड़ी शांत हो जाओ, और फिर मैं उस एयरलाइन लेडी के पास गया और उससे बातचीत शुरू की, और पता चला कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि मैं अपने साथ सिर्फ 2 बैग्स ले जा सकता हूं, 3 बैग आपको यहीं पर छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन ये एजेंडा था ही नहीं मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने अपने ब्रीफकेस से एक बुक निकाल कर उसको दी और बोला, मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ें। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि आप मुझे फ्लाइट पर जाने दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी दयालुता है। और मैंने उससे कहा कि कैसे हमारी फ्लाइट मिस हो गई, और फिर मैंने काइंडनेस दिखाया उसकी तरफ। मैं भी बहुत ज्यादा रिसेप्टिव और काइंड था उसकी तरफ। और जब ये बातचीत खत्म हुई तो उसने पूछा कि आपके पास और बॉक्सेस तो नहीं है, क्या कुछ ऐसा है जो आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे? आपके साथ कोई और भी है जो जाना चाहेगा? यही नहीं, उसने हमें फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया, और हमें जो भी कुछ चाहिए था उसने हमें देने की कोशिश की। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसकी तरफ रिसेप्टिव था। सब कुछ रिसेप्टिविटी की वजह से हुआ। जब आप रिसेप्टिविटी को प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर बहुत पेशेंस होता है और आप खुद वैसे बन जाए जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यह आपको दूसरों के लिए ज्यादा चाहिए और अपने लिए कम चाहिए होता है। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा ऐसे कि आप ऑलरेडी सही इंसान के साथ कनेक्टेड हैं। उस एंगल से अपने आप को देखो और देखो कि सारे अच्छे लोग आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसा एक्ट करो जैसे वो पहले से हैं, क्योंकि सोर्स वही है, वो पहले से ही है।
मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपके सामने यहाँ खड़े होकर बोलता हूँ, जब मैं स्पेस पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ और अच्छे से कहना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं जिसे चाहता हूँ वो यहाँ पर आया हुआ है और मैं ऑलमोस्ट उस जगह पर होता हूँ। ये कितना ब्यूटीफुल और ब्लीज्ड है। मैं आप सभी लोगों के आने से भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। ये ऐसे कि जैसे मैं कोई गाना गा रहा हूँ कि प्लीज आप सभी बॉस्टन में जरूर जरूर आए। और आप हजारों की तादाद में वहां पर हैं, उधर देखो, जिधर देखो आप ही आप हैं। वहां पर देखिए, हजार हजार मील दूर से आए हुए लोग वहां पर बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है। और जब मैं लिखता हूं, मेरी आंखें 20 सालों से उस बुक पर नहीं पड़ी और सडनली वो मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ी। मैं उसे देखता भी नहीं हूं, आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि वो मेरे पैरों के पास पड़ी है। कमाल की बात है। मैं इसे उठाता हूं, देखता हूं कि इसमें एग्जैक्टली वही चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। और फिर अचानक से फोन बज उठता है और वही आदमी फोन पर होता है जिसकी आपको जरूरत होती है। जब आप रिसेप्टिव, काइंड और लविंग, ब्यूटी, अबंडेंस, जब इस सारी पोजीशन में होते हैं, तो यूनिवर्स ये पूरा प्लान करता है राइट पीपल राइट जगह क्रिएट करने के लिए। और ये मैं नहीं करता, ये सिर्फ आपका सरेंडर होता, यह आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। रिकवरी मोमेंट में हम इसे कहते हैं जो हो रहा है होने दो। जैसे कि आपके पास एक सीनियर पार्टनर है जो आपके साथ चलता है हमेशा उस रास्ते पर जो कि आपने खुद चुना है, और तब आपके अंदर कोई भी शक नहीं हो सकता कि यह काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। और आज आपने वहां ट्यून किया है इस शो के लिए। जिस आदमी को इसमें पूरा विश्वास है नहीं, मैं इसके बारे में बात करता हूं, लिखता हूं, मैं हर रोज इसके साथ जीता हूं और ये हमेशा काम करता है। जब मैं इस बुक को पावर ऑफ इंटेंशन को लिखने बैठा, मुझे कुछ पता नहीं था कि सेकंड चैप्टर में क्या लिखने वाला हूं। मेरे पास सिर्फ वो कोट होता था जो मैंने स्टार्टिंग से शो में बताया था, मैक्स प्लैंक और कार्लोस कास्टिनेटर, यही था मेरे पास। चैप्टर 2 फोन पर, चैप्टर 3, और फिर एक दिन सारी इंटेंशंस अपने आप सेकंड हाफ में फ्लोट करने लग गई। ये सब बहुत ही मिलजुल कर परफेक्टली हार्मनी में काम करता है। कई साल पहले 1300 सेंचुरी में एक आदमी हुआ था जिसका नाम फ्रांचेस्को था, और हमने अपने सिटी का नाम सैन फ्रांसिस्को उसी पर रखा। उसने अपनी सारी दौलत दान कर दी और एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। याद है मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि कैसे हर कोई डिटेल जानने में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूं, मैं गॉड की तरह सोचना चाहता हूं। और अब समझेंगे कि कैसे वो सोचना, महसूस करना और साउंड करना चाहते थे सोर्स की तरह। फ्रांचेस्को, जिसको लोग सैन फ्रांसिस्को के नाम से जानते हैं, उसे मैं इस जगह पर कई बार गया हूँ और वहाँ पर मुझे बहुत पावरफुल और डीप महसूस होता है। और जब मैं लिख रहा होता हूँ तो वो फ्रांसिस्को का स्टैचू मेरे पास रखा हुआ होता है, और ये मेरे लिए ही बनाया गया था। मेरे एंसेस्टर्स ने जो वहाँ पर उस वक्त पर थे, और उनका ख्याल था कि मैं एक दिन इसे देखूँगा। और मैं आपको बता दूं कि आज भी मैं उनकी प्रेजेंस यहाँ पर फील करता हूँ इस स्टेज पर। और मैंने स्काई सी से पूछा, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर वो आ पाए यहाँ पर और आपके लिए कुछ गा पाए तो आ कपेला, जो शब्द नहीं एक लिटिल मैंक, जैसे आप शब्दों को सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आप याद करें कि ये आपके लिए रास्ता है अपने इंटेंशंस के साथ कनेक्ट करने का। आप इस मैसेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरी ब्यूटीफुल डॉटर का स्वागत है स्टेज पर, कम ऑन स्वीट हार्ट। मेरी बेटी का नाम है स्काई डायर्स, प्लीज खड़े हो जाइए। मेरी प्यारी बेटी, अच्छे से गाओ बेटी। Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, love. And where there's doubt, your faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair and light.
life. Let me bring hope where there's darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, loved. In giving of ourselves that we receive, and in dying we are born to eternal life. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, love. In giving of ourselves that we receive, and in dying we are born to eternal life. Thank you. ये जो शब्द है मैं चाहता हूं कि आप बार बार प्ले करें. ये बहुत ही पावरफुल शब्द हैं. मुझे अपनी शांति का रास्ता बनाएं. अगर आप नफरत करते हैं तो मैं प्यार लेकर आऊंगी. अगर कोई चोट है तो मुझे माफ करो, हील करो. एंग्री हो, डाउट हो तो फेथ, निराशा हो तो होप, दुख हो तो खुशी. ये कोई प्रेयर या धार्मिक लाइन बिल्कुल भी नहीं है. ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है हमें सीखने के लिए. हायर स्पिरिचुअल डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस को यहाँ हर एनर्जी के अंदर लेकर आना, हर उस एनर्जी को जो इस सोर्स का पार्ट नहीं है. नफरत की एनर्जी, गुस्सा, डर, परेशानी, और हमें इसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी इंटेंशंस के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं. जैसे कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में बता चुका हूं, जैसे ही आप बाहर से अपनी अपने अंदर की दुनिया में आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि आपकी मौजूदगी दूसरे लोगों के लिए काम करेगी और आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा. जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंस्टिल कॉमनेस, मतलब आपके प्रेजेंस से ही लोग कन्विंस होने शुरू हो जाते हैं. आप देखेंगे कि लोग आपके चारों तरफ शांत हो जाते हैं. आपको एकदम पता चल जाएगा कि जैसे ही आप उनके चारों तरफ होते हैं वो अच्छा फील करने लगते हैं, वो अपने को बेहतर महसूस करते हैं सिर्फ आपके उनके पास होने से. देखो ये ऐसा काम करता है, मतलब आप जिसके साथ कमरे में हैं और आप उससे दूर भागना चाहते हैं क्योंकि वो लो एनर्जी लाते हैं. कोई कहता है कि लोग मुझे हमेशा नीचे लाने की कोशिश करते हैं. मैं उनके साथ कैसे काम करता हूं ये मैं ही जानता हूं. अगर तुम्हें उनके साथ काम करना पड़े तब तुम्हें पता चलेगा, लेकिन हकीकत में आपको कोई नीचे नहीं ला सकता. आपकी एनर्जी लो एनर्जी है क्योंकि आप लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि वो आपसे करते हैं आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप लोगों से गुस्सा होते हैं. आप दूसरों को ज्वाइन कर लेते हैं उनकी लो एनर्जी में. स्काई ने अभी क्या कहा, मुझे अपनी शांति का रास्ता बना लो, मुझे शांति मत दो. अगर मैं कहूं कि मुझे शांति चाहिए, मेरे पास शांति की कमी है, ये पीस है, मुझे अपनी शांति का रास्ता बनाए, आपकी शांति में मुझे शामिल होने दें.
अगर आप जब अपने इंटेंशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, आपके प्रेजेंस दूसरे लोगों को एनर्जी देती है, वो ज्यादा करना चाहते हैं और ज्यादा करना चाहते हैं। उन्हें लिखना है, म्यूजिक बनाना है, मिस्टर हॉलैंड्स ऑपस बनना चाहते हैं वो लोग। कौन उस फिल्म से प्यार नहीं करता? वो इसलिए नहीं क्योंकि वो फिल्म मेरे अंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सबके अंदर वो रॉकी छुपा है। कितने लोगों ने ये रॉकी देखी? सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म रॉकी। आपको शायद बॉक्सिंग पसंद ना हो, पर अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो कहेंगे कि आपके अंदर रॉकी है। हम सब ऐसा फील करते हैं वो फिल्म देखने के बाद। ये वैसे ही है कि आपकी प्रेजेंस दूसरों को कनेक्ट और अपलिफ्ट फील करवाती है। आपकी प्रेजेंस की वजह से उन लोगों को अपनी लाइफ में एक पर्पस मिल जाता है। ये उनको ग्रेट चीजों के लिए इंस्पायर करता है और इसके साथ साथ आपका प्रभाव ह्यूमैनिटी के कॉन्शियसनेस पर भी पड़ता है। क्या होता है हमारे साथ जब इस थिएटर में मेरे ख्याल से 1000 लोग के आसपास तो होंगे ही, और सिर्फ आपके यहाँ होने भर से ही और इस प्रोग्राम को देखने से ही और कुछ आइडियाज अपनी लाइफ में लेने से आप पूरे प्लेनेट की एनर्जी को बदल सकते हैं। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, हर कोई। नेटिव अमेरिकन्स कहते थे कि किसी पेड़ की कोई ब्रांच होती ही नहीं है, कितनी बेवकूफी है। और आपस में लड़ते थे, हम सब उस पेड़ की ब्रांचेस हैं जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी। और अब मैं एक क्विक समरी करूंगा यहां के इस डिस्कशन की, और जो मैं कहता हूं वो डायर नहीं कहता। और आज जिन 12 पॉइंट्स के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं इस प्रोग्राम में, उन 12 पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही कहूंगा। अगर आप लोग चाहें तो इससे लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इन सभी 12 पॉइंट्स का अच्छे से ट्रैक रखें। जो डायर नहीं करता, इंटेंशंस के साथ कनेक्ट। एक, लोगों के लिए उससे भी ज्यादा चाहो जितना कि अपने लिए चाहते हो। जो भी आप सोचते हैं कि अपनी लाइफ में मिस किया है, हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई बुरी लत हो या किसी भी चीज की कमी हो, शांति की कमी आपके किसी भी रिश्तेदार में, और आप उनके लिए अपने से भी ज्यादा वो चीज मांगे जो आप अपने लिए मांगते हैं, उनके लिए ज्यादा मांगे, और इस तरह हम इस लेवल के कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने लिए जितनी खुशी चाहिए उससे ज्यादा दूसरे के लिए मांगो। दूसरे नंबर पर, थिंक फ्रॉम द एंड, मतलब अंत से सोचो। चीजों और अपने आप को ऐसा देखना शुरू करो जब आप अपने आप को चीजों, लोगों और सिचुएशन को ऐसा देखते हैं जैसे अगर आपको किसी चीज की एडिक्शन, सोचो आप उससे फ्री हो चुके हैं। ऐसे देखो, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर कार चाहिए, मेरा बेटा इसमें इतना चाहता था, उसके पास परफेक्ट आंसर था इसका। कार जो उसको चाहिए थी वो येलो थी। उसने मुझे हर दिन इसके लिए परेशान कर दिया था कि पापा मुझे ऐसी कार चाहिए। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। उसने किया क्या कि उसका पिक्चर बना लिया और अपने कंप्यूटर पर लगा दिया एज बैकग्राउंड अपने कंप्यूटर पर, जो भी वो थी। मुझे तो वो स्कूल बस जैसी ही लगती थी, पीली पीली। मुझे लगा कि मैं उसके लिए कैब ला दूंगा, लेकिन उसको तो वही कार चाहिए थी। और फिर उसको वो कार मिल गई और उसने उसे चलाई भी। ये एक यूज्ड कार थी जो उसने इंटरनेट डील पर पाई थी। उसने अपने आप को उस कार में देखा और वो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो उसके पास नहीं होगी। इसे हम परसिस्टेंस कहते हैं मोस्टली, पर ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यंग लोगों में ये इंस्टेंट शक्ति होती है जान लेने की कि वो जो चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं उनकी जिंदगी में। और मैं इस पर ऐसे एक्ट करता हूं जैसे वो मेरे पास हो या फिर वो मिल जाएगी, आपको कोई मना नहीं करेगा क्योंकि वो आपके इंटेंशन है। ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये तो वो अवेयरनेस है कि मैं पहले से ही इसके बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वो पहले से ही वहां पर मौजूद है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि टू बी एन अप्रिशिएटर इन योर लाइफ। हमेशा जो अच्छी चीजें हैं लाइफ में उनकी तरफ देखो, ना कि जो वर्थलेस है। देखो, आप बाहर जाते हैं और एक नया घर खरीदते हैं और 10 साल बाद आप कहते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एक घर या फिर एक कार जो है अप्रिशिएटेड हो गई। इसका मतलब है उसकी कीमत बढ़ गई है पहले से ज्यादा।
अगर आप एप्रिशिएटर हैं तो आपकी कीमत पहले से ज्यादा है। अब सोचिए कि आप एक कार खरीदते हैं, उसे चलाते हैं और उसे बेचते हैं, उसकी कीमत 20% एप्रिशिएट हो जाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अब उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी की पहले थी। मतलब आप जब डिप्रिशिएट होते हैं तो आप अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं, और उससे ज्यादा वैल्यूएबल क्या हो सकता है कि आप अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। चौथा, आप अपनी सोर्स एनर्जी के साथ रिपोर्ट में रहें। आपका काम यह है कि आप सोर्स एनर्जी के साथ हार्मोनी में हमेशा रहें। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि ये मेरा सोर्स भी ऐसे ही सोचता है। पांच, रेजिस्टेंस। इसका मतलब रुकावट को समझो। हर सोच जो आपके अंदर आती है और वो अगर आपकी सोर्स एनर्जी से मैच नहीं करती, वो एक रुकावट है। हर अनकाइंड थॉट, अनक्रिएटिव सोच, जजमेंट की सोच, डर की सोच, डिप्रेशन के थॉट, हर सोच जो ये कहती कि ये नहीं हो सकता, सब रेजिस्टेंस है। और अगर आप कहते हैं कि उनके लिए आसान है, वो इस बारे में बात कर सकते हैं, ये भी रुकावट है। अगर आपको ये सिर्फ कुछ आंसर से क्यों ना लगे तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपके लिए आप उस चीज में विश्वास करते हैं और फिर यूनिवर्स आपके लिए उसको पूरा कर देगा, उस विश्वास को। छठा है, जिसके बारे में मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, सोचो उन चीजों के बारे में जिनको आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं। आप उसके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि आप सोर्स के साथ मिले हुए हैं, आप हमेशा सोर्स के साथ हैं, उसके प्रिंसिपल्स के साथ हैं, हर अच्छी जगह पर आप उसके साथ एक हैं। ये इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, और आप भी उसी तरह। सातवां, अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ अलाउइंग। मतलब अपने आप को उस रास्ते में देखना जहां सबसे कम रेजिस्टेंस है। अगर आप किसी थॉट को अपने अंदर आने देते हैं और उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस होती है, उसका मतलब है कि आपने उस थॉट के अंदर अलाउंस नहीं दी। आपको बिल्कुल ऐसा सोचना पड़ेगा कि जैसे मैं यहां हूं और ये सोर्स है, मैं उससे कितनी एनर्जी अपनी तरफ खींच सकता हूं। कितनी एनर्जी? क्या आप अपनी तरफ एनर्जी को खींच रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं? आने दें, इसको होने दें। आठ, प्रैक्टिस करें कि आप ये बॉडी नहीं है जिसके अंदर आप अपने आप को पाते हैं। आप वो माइंड नहीं है जिसके अंदर आप हैं। आप कोई भी फिजिकल चीज नहीं है जो कि आपके पास है। आप एक डिवाइन सोर्स हैं। नाइन, हमेशा ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहें। हर एक चीज और सिचुएशन का शुक्रिया करें जो आपके पास है, जो आपके साथ होती है। हमेशा दयालु रहें, क्योंकि इससे ज्यादा जनरस क्या होगा कि आपको यहाँ एक इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स से फिजिकल दुनिया में आने का मौका मिला और फिर आप वापस जाते हैं। दस, हमेशा ध्यान में रखें कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसकी बुराई करके नहीं पा सकते। कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो, अगर आप उसकी वजह से शर्मिंदा महसूस करते हैं तो आप सबसे ज्यादा लो एनर्जी को उसमें ले आते हैं। आप कभी भी शर्मिंदा होकर कॉन्शियस लेवल पर नहीं जा सकते, जो कि सोर्स एनर्जी है। 11, मैच गेम को खेलें, हमेशा खेलें। अपने आप से पूछें कि मैं अपने इंटेंशंस का कहीं मार्च तो नहीं कर रहा हूं। और फाइनली, मेडिटेट। इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको रास्ता दिखाता है कि कैसे आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट रहें। वो कौन सी चीज है इस यूनिवर्स की जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता? आप गॉड को डिवाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा हर चीज का अप डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। मेल फीमेल, व्हाइट ब्लैक, राइट रॉन्ग, हर चीज उस दायरे में आती है, एक्सेप्ट साइलेंस। साइलेंस को आप आधा करें, आपको क्या मिलेगा? और ज्यादा साइलेंस। फिर काटो, और ज्यादा साइलेंस। सोर्स को डिवाइड करो, आपको और ज्यादा सोर्स मिलेगा। डिवाइड नहीं किया जा सकता। मेडिटेशन, गैप के अंदर रहें। और अब मैं इसे खत्म करना चाहूंगा, इस प्रोग्राम पावर ऑफ इंटेंशंस को, एक स्टोरी के साथ जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हेलन ने भेजी है। उसको बोलते हैं एटीट्यूड। 92 ईयर ओल्ड, छोटी सी, शानदार एंड प्राउड लेडी, जो कि सुबह 8 बजे तक अच्छे से तैयार हो जाती है। 92 ईयर ओल्ड, जिसके बाल अच्छी तरह फैशनेबल स्टाइल में बने हुए, जबकि वो लीगली ब्लाइंड है, और आज एक नर्सिंग होम में लाई गई
और उसका पति जो पिछले 70 सालों से उसके साथ था चल बसा, और ये जरूरी था। वो काफी देर से लॉबी में पेशेंटली वेट कर रही थी, इस नर्सिंग होम की लॉबी में। वो प्यार से मुस्कुराती जब उसको बताया जाता है कि उसका रूम तैयार है, और जैसे ही वो लिफ्ट तक पहुंचती है उसको उसके रूम का ब्यौरा दिया गया कि वो कैसे दिखता है और उसकी आईलिड शीट के बारे में जो विंडो पर टंगी हुई है। उसने कहा कि मुझे वो पसंद है, जैसे कोई 8 साल का बच्चा बोलता है जब उसे नया पपी गिफ्ट दिया जाता है। पर मिसेस जोन्स, आपने अभी तक अपना कमरा देखा नहीं है। अरे रुको, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसने कहा। हैप्पीनेस वो चीज है जिसके बारे में आप टाइम से पहले डिसाइड कर लेते हैं, चाहे मुझे रूम पसंद हो या ना। ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि फर्नीचर वहां कैसे दिखते हैं, डिपेंड करता है कि वो मेरे दिमाग में कैसे दिखते हैं। जब आप किसी चीज की तरफ अपनी सोच को बदलते हैं, अगर आप देख ना पाए तो भी वो चीजें खुद ब खुद बदल जाती हैं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगला प्रोग्राम आप देखेंगे एक बोनस सेगमेंट जो पहली बार 20 सालों में हुआ है, डॉक्टर डायस के अपने खुद के अनुभव जो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा अनुभव लेकर आए। बहुत सारे आइडियाज जो मेरे दिमाग में आए और बहुत सारी अच्छी बातें जो मैंने पढ़ी कास्टिनेटर की बुक में, और उस बुक का नाम है एक्टिव साइड ऑफ इन्फिनिटी। पावर ऑफ इंटेंशन में मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है, आप और आपका रोल इस इन्फिनिटी वर्ल्ड में। जिस चीज ने मुझ पर इतना जोरदार प्रभाव डाला वो ये है कि प्रॉब्लम्स जो हैं ह्यूमैनिटी के साथ, स्पेशल जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, वो अपनी सोर्स के साथ नहीं है। हम सभी इस बॉडी में हैं जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, पर हम ऐसे बिहेव करते हैं कि ये खत्म नहीं होगी। और मैंने इसके बारे में सोचा कई बार, और जब आप इस तरह सोचते हैं तो आप एक इनएक्टिव इन्फिनिटी के साथ रह रहे होते हैं। और हमारा जो एम है अपने आप को इंटेंशंस के साथ कनेक्ट करने का, वो एक एक्टिव इन्फिनिटी के साथ अपने आप को जोड़ता है। और एक्टिव इन्फिनिटी वो है जो कि हम अपने इन्फिनाइट नेचर को समझना चाहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जीसस ने जब कहा कि आप इस दुनिया में है पर आप इस दुनिया के नहीं हैं, तो एक्चुअली हमसे क्या कहना चाहते थे वो। क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में हैं और इस दुनिया के हैं। ज्यादातर लोगों का नजरिया सोचने का यही होता है, हम इस सोच से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो इसलिए जब हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इनफाइनाइट है अपने नेचर में, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मुझे याद है जब मैं माउंट क्लेमेंट मिशिगन में रह रहा था एक लेडी के साथ, उसका बहुत ही खूबसूरत सा घर था और वो भी कुछ हमारे ही हालात से गुजर रही थी। हमारी हालत ऐसी ही थी, मेरा जन्म 1940 में हुआ और मेरी माँ को 3 बेटे थे जो 4 साल से कमाते थे और मैं सबसे छोटा था। और मेरे पिता जब मैं कुछ 1-2 साल का होगा हमें छोड़ गए, माँ ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। उनके 3 बेटे थे पर उन्होंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में एक फोन कॉल नहीं किया, कभी नहीं किया पूरी जिंदगी में। कभी कोशिश नहीं की कॉन्टेक्ट करने की या फिर कोई सपोर्ट। मैं हमेशा सोचता कि कोई कैसे ऐसे, मेरी माँ एक बहुत ही वंडरफुल डिवाइन लेडी थी और वो इतनी अच्छी थी कि सारे मेरे दोस्त हमेशा मेरे घर आना चाहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें अपने घर जैसा लगता था। मेरे दोस्त मेरे घर आना चाहते थे, उसका सीधा सा कारण था कि हमारे घर पे माहौल बहुत अच्छा था, किसी तरह की परेशानी नहीं थी, मौज मस्ती वाला माहौल था, हर किसी को खाने को मिलता था। और स्पेशली ये एक बहुत ही अच्छी और हैप्पी एनर्जेटिक ब्यूटीफुल जगह थी। और मुझे हमेशा लगता था कि कैसे एक आदमी 3 बच्चों को जो 4 साल से कम के हैं छोड़कर चला गया, जबकि वो अच्छे से
हम सबको पाल पोस कर बड़ा कर सकते थे। उस वक्त वार चल रहा था, उसने काफी समय जेल के अंदर बिताया और मेरे अंदर काफी गुस्सा था और डिजायर की मुझे बस एक दिन उस आदमी से जरूर मिलना है। मैं उसे सपनों में देखता और इसके बाद मुझे बहुत ही गुस्सा आता था और टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में तब आया जब मैंने अपनी परसेप्शन बदली अपने फादर के बारे में। मुझे उनके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता था। उनका नाम था मेलविन लॉयल डायर। उनका जन्म 1914 में हुआ। रात को मैं सोने जाता और सपने में उनके बारे में सोचता। मैं रात को गुस्से से पसीने में जागता और कभी कभी तो मैं सपने में उनसे लड़ाई भी कर रहा होता था। और उन सब सालों में जब मैं 34 साल का हुआ 1974 में, सपनों में हर रात अपनी माँ को देखना और मैं अपनी माँ से हमेशा उनके बारे में और जानना चाहता था। मैं हमेशा अपनी माँ से पूछता अपने पिता के बारे में ताकि उनके बारे में कुछ जान सकूं, वो कहाँ है। उन्होंने कभी भी मुझे उनके बारे में नहीं बताया, बल्कि वो सिर्फ गुस्सा हो जाती थी। और कुछ 1974-73 में मुझे एक नोट मिला जो कि मेरी कज़न ने भेजा था, डॉर्थी फिलिप्स ने। पता नहीं था कि वो मेरी कज़न है। उसने मुझे बताया कि मेरे पिता 1964 में मर चुके हैं, 10 साल पहले 1974 में, मतलब उनकी उम्र थी 49 साल। वो सिरोसिस से मरे थे और जिस जगह उन्हें दफनाया था वो थी बिलोक्सी मिसिसिपी और वो मरे थे न्यू ऑर्लियंस। मेरी कज़न के पास सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। मेरे दो भाई मेरे पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते थे, शायद क्योंकि उनको कुछ याद रहा होगा, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे उम्र में और मेरी इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि कौन था ये आदमी। और सबसे ज़्यादा मैं यही जानना चाहता था कि वो कैसे ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने तीन बच्चों को वो इस तरह से छोड़ सकते हैं। क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके तीन बेटे हैं? दरअसल मैं जानना चाहता था कि क्या उन्हें पता है कि उनका एक बेटा है वेन। और मैं उस वक्त प्रोफेसर था, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ा रहा था। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ाता था और ये वो वक्त था जब लिंडा जॉनसन ने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, जिसको एक बहुत ही ग्रेट सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। वो सारी चीज़ें स्कूल में लाई जा रही थी और मुझे यही जॉब दिया गया था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते ये काम ही करूं। मैं उस वक्त जाता था मिसिसिपी, वहाँ एक जगह थी स्टेट कॉलेज ऑफ मिसिसिपी फॉर वुमेन और मैं वहीं पर जाता था। मैंने अपने आप से सोचा और मुझे कुछ वक्त पहले इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे पिता कब चल बसे। मैप में मैंने देखा कि कोलंबस जो जगह थी वो सिर्फ 200 माइल्स दूर थी बिलोक्सी से और मेरे डैडी की डेड बॉडी को न्यू ऑर्लियंस से बिलोक्सी शिफ्ट किया गया था, ये बात मुझे पता थी। तो मैं कोलंबस जाता हूँ और वहाँ क्लास में बैठकर अपने रिपोर्ट्स लिखता और बहुत सारे काम करता। इसके बाद मैं सोचता कि क्या मैं अपने पिता के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने एक कार किराए पर ली, उस दिन शुक्रवार का दिन था और ये कार थी 1974 की डॉज कॉर्नेट जो कि ब्लू कार थी। और होता यूँ था कि उस वक्त पे कमर पेटी होती थी और शोल्डर बेल्ट नहीं होते थे और ये ऐसी अजीब सी कार थी और उस वक्त मेरी अपनी लाइफ भी बहुत ख़राब चल रही थी, कहीं कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी और मैं जो लिखने का काम करता था वो भी अच्छा नहीं चल रहा था, कोई ख़ास नहीं चल रहा था। और इसके अलावा मैं बहुत मोटा भी था और बहुत ही कम डिसिप्लिन वाला इंसान था, पर आप कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं था उस वक्त, एक बुरा आदमी था। मुझे लग रहा था कि मेरी नियति भी मेरे पिताजी जैसी ही होनी है। तो फिर क्या हुआ कि मैं जाकर कार के अंदर बैठा और देखता हूं कि किसी ने भी पहले इस कार को रेंट पर नहीं लिया था, मतलब किसी ने भी इस कार को आज तक चलाया नहीं था। इसका कारण यह था कि उसके माइल्स मीटर में रीडिंग थी
0006, वो भी इसलिए क्योंकि एक ट्रक के द्वारा ये मुझ तक पहुंचाई गई थी। तो ऐसी थी ये कार। तो मैं कार के अंदर बैठा और लेफ्ट बेल्ट लगाने लगा और दूसरी तरफ देखा तो देखा कि वहां पर राइट बेल्ट था ही नहीं। और ये मेरे लिए बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि मैं बहुत ही पर्टिकुलर था सीट बेल्ट को पहनने के मामले को लेकर। तो मैं कार से बाहर आया और बेल्ट को ढूंढने की कोशिश करने लगा। मैंने सीट को बाहर निकाली और जमीन पर रख दी और मैंने देखा कि एक बकल था जो उस कार के फ्लोर बोर्ड से टेप किया हुआ था और उसके चारों तरफ रबर बैंड बंधा हुआ था और पूरी चीज को टेप के साथ फ्लोर बोर्ड से चिपका रखा था। पता नहीं ऐसा क्यों किया था उन लोगों ने। तो मैंने फाइल निकाला, रबर बैंड और टेप को हटाया और इसके बाद वहां से निकला। बेल्ट लगाने के लिए मैंने बकल तक अपना हाथ बढ़ाया तो देखा कि उस बकल के अंदर एक बिजनेस कार्ड है। ये एक ब्रांड न्यू कार्ड था और मैंने कार्ड को पढ़ा और पाया कि उस पर एड्रेस लिखा था कैंडल लाइटिंग बेलॉक्सी मिसिसिपी और उसके पीछे मैप भी था कि उस जगह तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उस टाइम कुछ अजीब सी फीलिंग तो हुई पर मैंने कुछ ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और शायद किसी फैक्ट्री का आदमी होगा कोई जिसका ये कार्ड है अपनी पॉकेट में रखा होगा और यहाँ पर भूल गया और मैं बेलॉक्सी की तरफ ड्राइव करने लगा। अगस्त महीने के आखिरी दिन थे वो और मैं बाहरी एरिया तक पहुंचा बेलॉक्सी के जहाँ पर लिखा था कि बेलॉक्सी में आपका स्वागत है और वहाँ एक पेट्रोल पंप था और एक टेलीफोन बूथ भी था। इसके अलावा येलो पेजेस भी थे और मैंने सिमेट्री की जगह को ढूंढना शुरू किया। बस इतना याद है मुझे और मुझे तीन नंबर्स मिले उसके अंदर, एक कैपिटल लेटर्स में था और दो छोटी थी। फर्स्ट नंबर डायल किया तो किसी ने नहीं उठाया, देखो कब्रिस्तान में कोई फोन नहीं उठाता। दूसरा मिलाया तो वो बिजी आ रहा था तो मैंने तीसरा नंबर मिलाया जो कि छोटे लेटर्स में लिखा था। एक आदमी ने फोन उठाया और बोला कौन है, तो मैंने पूछा कि यहाँ पर किसी मेलबर्न लॉयल डायर्स नाम के आदमी को दफनाया गया था जो 1964 में मरा था। उसने शायद मैंने सही साल बताया था जिसको कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उसने कहा कि ये कोई कब्रिस्तान नहीं है पर हाँ यहाँ लोगों को दफनाया जरूर जाता है। उसने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ। वो गया और 10 मिनट बाद आया और कुछ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स के बॉक्स के साथ कुछ कर रहा था। उस समय इन बॉक्सेस के ऊपर रिकॉर्ड्स लिखा जाता था। उसने कहा हाँ आपके पिताजी का नाम मुझे यहाँ मिला है और उनको दफनाया गया था 1964 में। तो मैंने कहा कि मैं अपने पिताजी को पूरी जिंदगी भर ढूंढता रहा और मैं उस जगह पर जाना चाहूंगा जहां उन्हें दफनाया गया था। तब उसने कहा कि ये कोई दफनाने की जगह तो नहीं है पर आपके पिताजी को कैंडल लाइटिंग नाम की जगह पर दफनाया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कार्ड जेब से निकाला जिस पर वहां जाने का रास्ता बना हुआ था। मैं कार चलाकर वहां पहुंचा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने एक्टिव साइड ऑफ इन्फिनिटी को महसूस किया। मैं एक छोटे से मार्ग की जगह गया। ये कोई ग्रेवस्टोन नहीं था, बस एक छोटा सा मार्ग था जिस पर लिखा था मेलविन लॉयल डायर्स 1914-1964। मैं वहाँ कुछ देर खड़ा रहा और एक आदमी आया और बोला कि आप जा सकते हैं पर जब आप जाएं कृपया करके चेन से रास्ता बंद करते जाएं। मैं वहाँ करीब 3 घंटे तक बैठा था और समय यही कोई शाम के 5:15 बजे थे और जब 8 बजे तब तक अंधेरा हो चुका था और मैं अपने पिताजी को कर्स करता रहा वहाँ नीचे बैठकर। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप हमें इस तरह कैसे छोड़कर जा सकते हैं। और ये बहुत ही शक्तिशाली आंसुओं से भरा एक्सपीरियंस था मेरे जीवन का और उस वक्त जैसे मेरे अंदर कुछ आ गया था और मेरे दिमाग में उस वक्त मार्क ट्वेन की ये पंक्तियां याद आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि माफी वो खुशबू है जो वॉयलेट से निकलती है जब वो दूसरे के पैरों के नीचे दब जाती है। और उस वक्त मेरे अंदर क्या आया जो पहले कभी नहीं आया था और मैंने अपने पिता से कहा मैं आपको माफ करता हूं। पता नहीं क्यों पर मैंने कहा कि इस लम्हे के बाद मैं जिंदगी भर के लिए आपको प्यार भेजता रहूंगा और कुछ नहीं। मैं उठा, चैन से बंद किया और घर वापस आ गया। घर आकर मतलब मैं न्यूयॉर्क आ गया, 2 हफ्ते की छुट्टी ली और एक जगह पे गया और ये जो जगह थी वो फ्लोरिडा में थी और इसका नाम था स्पिंडरिफ्ट मोटल। मैंने वहाँ चेक इन किया
और ये किताब लिखी द रिनेसेंस, और आज उसकी 20 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं 48 लैंग्वेज में, और मैंने उसे लिखा 2 हफ्ते से भी कम वक्त में। और जब मैं वहाँ से निकला मैंने भागना शुरू किया, और मुझे याद है कि उस दिन के बाद से 22 साल तक मैं रोज 8 माइल्स दौड़ता था बिना किसी ब्रेक के। मैंने शराब पीनी छोड़ दी और मेरी लाइफ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप हुए, बच्चे जो मैं हमेशा से चाहता था वो मेरी लाइफ में आ गए, मैंने अपना खान पान भी बदल दिया, मैंने टॉक्सिक और अनहेल्दी खाने को बिल्कुल बंद कर दिया और अच्छा बर्ताव करने लगा। और वो हर चीज़ जो आज मैं अपनी लाइफ में कर पाया हूँ ये एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मेरे जीवन में आई है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता कि एक बिजनेस कार्ड ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे से वैसा हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है, लेकिन ये सच्चाई कि उस एक घटना ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुझे याद है जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तो 231 टाउन हॉल रोड पर मिसेस स्कार्फ के घर में रहता था। एक दिन वो आई और मेरे भाई डेव को अकेला दिया, मुझे अकेला दिया, और इसके बाद फिर बोली। जब वो बोल रही थी तो आंसू उनकी आँख से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंकल इस दुनिया से चले गए। मैं बहुत छोटा था, शायद 6 साल का, तो बड़ी मासूमियत से पूछा कि वो वापस कब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं। और मुझे याद है बनाना खाते हुए मैं बाहर गया और सोचने लगा कि इस कभी नहीं का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका। पता नहीं आपने कभी सोचा या नहीं, लेकिन सोना और मर जाना सालों तक ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर कभी नहीं, कभी नहीं। और तब मैंने अपने कभी न ख़त्म होने वाले इन्फिनिट नेचर को पहचाना, और बस तभी से मैंने अपनी एक्टिव साइड ऑफ इन्फिनिटी के साथ जीना सीख लिया। और जो कुछ हुआ वो उस घटना के कारण हुआ जिसमें मैंने अपने पिता को माफ़ किया था। यही वो घटना थी जिसने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, और उन्हीं के कारण ये प्रोग्राम किया, मैंने किताबें लिखी, और जो भी कुछ आज तक लाइफ में मैंने किया है वो सिर्फ उन्हीं के कारण है, उसी घटना के कारण। मेरी हेल्थ, मेरे बच्चे, सब कुछ उन्हीं के कारण है। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिना किसी नोट्स के बोल पाता हूँ आप लोगों से, उसके पीछे, सबके पीछे एक ही कारण है, और वो है मैंने अपने पिता को माफ़ कर दिया